Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर. आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं रिगार्डिंग द एनसीईआरटी टॉपिक्स. स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी हम लोग पिछले क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे. एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं ऑलमोस्ट 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है. हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मेरा सब्जेक्ट और फोर्टे है. मैं आपके साथ यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ. आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस. अगर आपको जानकारी होगी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड कोर्सेज और साथों साथ आप बेसिकली टेस्ट और क्विज को भी एक्सेस कर पाओगे. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी तो पढ़िए, पर साथों साथ अगर आप डिटेल में यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज के अंदर आ सकते हो. प्लस के ऊपर आपको फायदा ये होगा कि मेरे सब्सक्रिप्शन वाले कोर्सेज दिखेंगे आपको, जहाँ पे मल्टीपल जो टॉपिक्स है उसको बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ाया जा सकता है. एनसीईआरटी तो मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा, पर एनसीईआरटी के अलावा जो हमको पढ़ना है, ओवर एंड अबव एनसीईआरटी पढ़ना है, वो आपको अनअकैडमी प्लस के द्वारा मिलेगा. प्लस के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन वाले कोर्सेज को एक्सेस करना होगा और मेनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करिए. मॉडर्न हिस्ट्री का भी कोर्स चल रहा है, साथों साथ मैंने आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी एक नया कोर्स शुरू किया है और बहुत ही जल्द, वेरी सून, आई विल बी स्टार्टिंग विथ ऑल्सो न्यू कोर्स ऑन दी आर्ट एंड कल्चर. अभी चल रहा है और एंशियंट मेडिवल भी मैं शुरू करने वाला हूँ. प्लस के ऊपर फायदा ये होगा कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री के रिलेटेड, वो सब के सब मेरे द्वारा कवर कराए जाएंगे. इसके साथ साथ आपको 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स, मोर देन 3000 प्लस स्लाइड्स आपको इसके अंदर से कवर कराई जाएगी. ये 3000 से ज़्यादा जो स्लाइड्स है उसको आप एक्सेस कर पाओगे, उसको आप रीड कर पाओगे, उसको आप स्टडी कर पाओगे. एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे, जितने भी जीएस का सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा कवर होगा. रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस भी आप कर पाओगे. टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हो. डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को और यूपीएससी सीएसई को गोल चूज करिए. जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो भी ले सकते हैं. आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, एजुकेटर के रूप में तो मैं अवेलेबल रहूंगा, डाउट क्लासेस भी आपके मैं दूंगा. पर अगर आपको एक मेंटर चाहिए, आपको एक गाइडेंस की एक जरूरत है, तो आप जरूर से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए. सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा याद रखिएगा कि आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है पीएन लाइव. ये जैसे ही डिस्काउंट कोड यूज किया, आपको 10% डिस्काउंट इसके अंदर से मिल जाएगा. एक साल का 49,500 फीस है, बट आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड इट विल कम बैक टू 44,550 रुपीज. उसी तरह के ऊपर 2 साल 3 साल की भी आप बेसिकली सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, सबके अंदर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. डिस्काउंट कोड आपको पीएन लाइव यूज करना है. अनअकैडमी की तरफ से आपको ऑप्शनल क्लासेस भी मिलेंगे. आप चाहते हो तो ऑप्शनल क्लासेस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लस के ऊपर ही आप डायरेक्टली ऑप्शनल क्लासेस को चूज कर दीजिए एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो एक साल की फीस है वो 70,000 रुपीज़ हो जाएगी वंस यू चूज जीएस एंड ऑप्शनल बोथ, है ना. इसके साथ साथ आइकॉनिक की जो फीस है वो बढ़ने वाली है. जैसे अभी एक साल की आइकॉनिक की फीस ऑलमोस्ट 60,000 है, वो शायद बढ़ के और इंक्रीज होगी. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक का लीजिए अगर आप कॉलेज के अंदर हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हो. और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप डिस्काउंट कोड हमेशा यूज कर सकते हो, आपको 10% ऑफ यहाँ से मिल जाएंगे. अनअकैडमी के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके सिवाय मेरे क्लासेस तो मिलेंगे ही, पर बहुत सारी बैचेस भी मिलती है. एक साल, 2 साल 3 साल की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बैचेस शुरू हो रही है 1 फरवरी से. ये वीकेंड बैच है, इंग्लिश के अंदर भी होती है, बाइलिंगुअल भी होती है, साथों साथ अगर आप देखोगे तो आपको हिंदी के अंदर भी मिल जाएगी. तो आपको जो भाषा के अंदर कंफर्टेबल है उस भाषा के अंदर आप क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे. अनअकैडमी फाइनली आपके लिए लेके आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग समिट है, बेसिकली जो 30 एंड 31 जनवरी को होने वाला है. ये समिट के अंदर इंडिया के टॉप मोस्ट स्पीकर यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं. यू विल फाइंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, यू विल फाइंड टॉप मोस्ट पब्लिक लाइफ स्पीकर इन लाइफ, और इन सब के एक्सपीरियंसिस ये शेयर करेंगे. साथों साथ तैयारी के अंदर किस तरह से आपको न्यूएंसिस को ध्यान रखना चाहिए उसके लिए करीबन 20 से ज़्यादा आपके डिस्कशंस होंगे, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे. ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी, जीएस की तैयारी कैसे करनी, कौन से सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, वो सब भी बेसिकली आपको अनअकैडमिक तरफ से मिलेगा. तो आप जरूर से जाइएगा, ये फ्री इवेंट है. खाली और खाली आपको इसके लिए रजिस्टर करना है. यू आर जस्ट सपोज टू रजिस्टर इन दिस फ्री इवेंट और उसके बाद इट विल बी गुड टू गो, है ना. तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ और बहुत इंटरेस्टिंगली आप ये इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को पुश कर सकते हो. चलिए हम लोग आज के क्लास के अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पिछले क्लास के अंदर नेशनलिज्म इन यूरोप नाम के टॉपिक को पढ़ा था. अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो वी हैड डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन डिटेल कॉल्ड एज द नेशनलिज्म इन यूरोप. और हमको बेसिकली नेशनलिज्म की जो विचारधारा है ये कहाँ से मिली थी ये भी मैंने आपको बताया था. तो अगर आपको पिछला क्लास मेरा याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म क्या है साहब, व्हाट इज नेशनलिज्म साहब, है ना. इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि व्हाट इज अ नेशन,
नेशन किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, तो हमने ये भी देखा था कि नेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इसके साथ साथ जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद था उसके पीछे की कहानी कहाँ से आती है साहब, ठीक है, तो पीछे मैंने आपको आइडेंटिटी के रूप में या उसकी बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसफी बताई थी, लिबरलिज्म जिसे हम लोग उदारवाद कहते हैं। ये उदारवाद के आधार के ऊपर ही हमको राष्ट्रवाद का ग्रोथ देखने को मिलेगा, है ना। तो इतनी पॉइंट्स हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखी, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस, और फिर मैंने आपको बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से आता है, किस तरह से शुरुआत होती है। तो आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति से ये घटनाएं शुरू होती है, फिर नेपोलियन पावर के ऊपर आया तो नेपोलियन ने राष्ट्रवाद को और मजबूत कर दिया। धीरे धीरे समय आगे चलता है दोस्तों, और हमको पता चलता है कि नेपोलियन के जो बाद वाला पीरियड था उस समय में भी राष्ट्रवाद और मजबूत होगा। किसके समय के अंदर साहब, जब वियना सिस्टम उभर के आती है, तो वियना सिस्टम ने तो नेशनलिज्म को दबाने की कोशिश की थी, पर उसके बावजूद भी लोग एक्टिव थे, और इसके कारण 1830 और 1838 के अंदर 48 के अंदर क्रांति हुई, और ये रिवोल्यूशंस के द्वारा बेसिकली आपके यहाँ पे नेशनलिज्म की जो फोर्सेस बहुत उभर के आई। ये नेशनलिज्म बेसिकली अगर आप देखोगे तो इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन की तरफ चला जाएगा, और फाइनली हमने देखने की कोशिश की थी कि नेशनलिज्म के कारण ही बॉल्कन के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस होती है, जिसे हम लोग बॉल्कन क्राइसिस कहते हैं। घुमा फिरा के हमको एक चीज पता चल रही थी कि नेशनलिज्म जो है एट टाइम्स इंपीरियलिज्म की तरफ भी दुनिया को लेके चलता है, और मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर इंपीरियलिज्म क्या है इसकी भी पूरी तरह से बहुत ही डिटेल इंट्रोडक्शन दी थी, और आपको बताया था कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद एक दूसरे के कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक कैटलिस्ट फोर्सेस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जब जब हम लोग दुनिया के इतिहास को स्टडी करेंगे, वेन एवर वी विल बी स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमको एक चीज पता चल रही है कि जहां जहां दुनिया के अंदर राष्ट्रवाद बहुत ही उग्र तरीके से आगे चला है वहां वहां साम्राज्यवाद आया है। यही साम्राज्यवाद के चक्कर में बेसिकली ब्रिटेन जैसे जो कंट्रीज थे, ये ब्रिटेन ने पूरी दुनिया के अंदर अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की साहब, है ना। तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको इंपीरियलिज्म नाम की एक आइडियोलॉजी बताई थी। मैंने बताया था कि इंपीरियलिज्म एक आइडियोलॉजी के रूप में हम लोग जब देखते हैं तो एक टूल है, एक विचारधारा है जो कहती है कि हमारा कंट्री महान कंट्री है पहले तो साहब, एंड दिस विल लीड टू द पॉलिटिकल कंक्वेस्ट इवेंचुअली। इसका जो इंटेंशन होता है जो दूसरे कंट्रीज को इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट करना है, साथों साथ अगर आप देखोगे तो हमको कल्चरल सब्जुगेशन भी इसके द्वारा देखने को मिलेगा साहब, है ना। तो भारत के अंदर जब हम लोग इंपीरियलिज्म की बात करेंगे तो भारत का पॉलिटिकल कंक्वेस्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद हम लोग सब समझने की कोशिश करते हैं तो भारत का जब पॉलिटिकल कंक्वेस्ट खत्म हुआ तो इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया, इंडिया वॉज एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिकली, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के ऊपर कल्चरल सब्जुगेशन किया जाता है, पूरी तरह से भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर इन्होंने अड्डा जमाने की कोशिश की थी साहब, है ना। तो ये सब पॉइंट्स के आधार के ऊपर जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हमको एक चीज बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है कि ये जो साम्राज्यवाद की विचारधारा बहुत टफ है, और इसको बेसिकली हम लोग जब देखते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर देखने को इम्पोज करते हुए मिलेगी। अब देखो ये जो इंपीरियलिज्म है इसका आउटकम क्या होता है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द इंपीरियलिज्म। तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंपीरियलिज्म जब मजबूत होगा तो जो भी कॉलोनीज है ये कॉलोनीज के अंदर क्या होगा, एक फीलिंग आएगी, और फीलिंग क्या आएगी कि हम लोग को अब ये गोरे लोगों के सामने लड़ना चाहिए, ये जो फॉरेनर्स आके हमारा शोषण करे उसके सामने हमको कुछ बोलना चाहिए। यही फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एंटी इंपीरियलिस्टिक फीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वी कॉल दिस थिंग एज एंटी इंपीरियलिस्टिक फीलिंग, है ना। तो ये जो एंटी इंपीरियलिस्टिक जो फीलिंग है इसी के कारण हमको देखने को मिला कि कॉलोनीज के अंदर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेशनलिज्म नाम की विचारधारा पॉपुलर होगी। जैसे मैं आपको कहूंगा इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर राष्ट्रवाद क्यों मजबूत होता है, व्हाई द रीजन ऑफ व्हाई द इंडियन नेशनलिज्म गॉट स्ट्रांग, इंडिया के अंदर राष्ट्रवाद मजबूत होने का पीछे का एक मूलभूत कारण क्या था। तो इंडिया में राष्ट्रवाद मजबूत होने के मूलभूत कारण के अंदर जब हम लोग ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं, ग्लोबल मैक्रो पिक्चर को देखते हैं, तो पता चलता है कि ये जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सब्जुगेट किया था, ब्रिटिशर्स ने करीबन 200 साल तक इंडिया का एक्सप्लोटेशन किया था, ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों का जो शोषण किया था उसके सामने भारत के लोगों को बेसिकली इकट्ठा होने के लिए एक फीलिंग आती है, राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है। हमको ये इनफैक्ट रियलाइज होता है कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हमारा शोषण बढ़ता रहेगा। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हो गया कि ये जो नेशनलिज्म है बहुत ही मजबूत होगी, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म के कारण नेशनलिज्म और मजबूत होगी, पर कौन से नेशनलिज्म मजबूत होगी, जहां जहां कॉलोनीज होगी, द एरियाज वेयर द कॉलोनीज वर एक्सप्लोटेड, द एरियाज वेयर द पॉलिटिकल कंक्वेस्ट वॉज डन, द एरियाज वेयर द कल्चरल सब्जुगेशन ऑफ द कॉलोनीज वॉज टेकन प्लेस, वहां वहां पे हमको पता चलता है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा बहुत मजबूत होगी। ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा मजबूत हो रही है इंपीरियलिज्म के कारण ही होगी, और इसी के आउटकम में आपको जो चैप्टर नंबर है
वो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका सेक्शन का, उसमें आपको इंडियन नेशनलिज्म का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, समझे आप लोग? ठीक है, तो एनसीईआरटी को जब आप पढ़ रहे हो तो आप थीम के साथ कनेक्ट करके देखिए। एक्चुअली क्या है कि इसमें से एक चैप्टर डिलीट कर दिया है, आपके जो एनसीईआरटी की जो नई किताबें आई है उसमें एक चैप्टर डिलीट कर दिया है। इसमें एक और चैप्टर है इंडो चाइना के अंदर नेशनल मूवमेंट्स आप, ठीक है। इंडो चाइना का मतलब है ये वियतनाम वाला रीजन। तो मैं आपको क्या करूंगा कि इसको नेक्स्ट क्लास में अंदर अलग से कवर करा दूंगा। आप नई एडिशन एनसीईआरटी का देखोगे तो उसमें आपको ये चैप्टर नहीं दिखेगा, बट आई विल ट्राई टू कवर दैट, क्योंकि दिस इज ग्रेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। जब आप दुनिया के इतिहास को स्टडी करते हो, दुनिया के इतिहास को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको बेसिकली ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो ग्रेटर पार्ट है इसी के साथ लिंकअप किया हुआ टॉपिक दिखेगा। चलिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो साम्राज्यवाद है, ये साम्राज्यवाद कैसे उभर के आया, साम्राज्यवाद के कारण भारतीय राष्ट्रवाद कैसे जगता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ये टॉपिक को थोड़ा बहुत आगे समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन नेशनलिज्म का जो ये चैप्टर है ये कैसे जुड़ा हुआ है साहब। ठीक है, अब देखिए टॉपिक ही दिया हुआ है इंडियन नेशनलिज्म, आप समझने की कोशिश करिए टॉपिक क्या दिया हुआ है। इंडियन नेशनलिज्म मतलब भारत के अंदर राष्ट्रवाद। अब इंडियन नेशनलिज्म बेसिकली कहाँ से उभर के आया साहब, ठीक है ना? तो व्हाट इज इंडियन नेशनलिज्म, आपको ये पता होना चाहिए साहब। दूसरा, हाउ द ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म टुक प्लेस, कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे होता है साहब। ठीक है, तीसरा आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, कौन से परिबल जिम्मेदार थे ये राष्ट्रवाद को बढ़ाने के पीछे। साथों साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है मेनली कौन सी, इंडियन नेशनलिज्म की, उसमें लीडर्स कौन कौन थे साहब, है ना? और साथों साथ हमको ये भी पता चलेगा कि ये कब उभर के आता है साहब। ठीक है, व्हेन द इंडियन नेशनलिज्म टुक प्लेस। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम लोग ये तीन चार पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जो इंडियन नेशनलिज्म है ये जब स्ट्रांग होगी तो दिस विल स्टार्ट अ मूवमेंट कॉल्ड एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, समझे आप लोग? ठीक है ना? तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि भारत के लोगों को जो राइट्स गेन करने का आंदोलन है उसकी शुरुआत होगी, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं। इसका ग्रोथ होने की शुरुआत होती है साहब। ठीक है, तो नेशनलिज्म विल लीड टू मूवमेंट कॉल्ड एज द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आपको एक बहुत बड़े कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है गांधी जी साहब। ठीक है, और गांधी जी के साथ साथ आप देखोगे तो आपको बॉडी दिखेगी कांग्रेस में। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसमें गांधी सेंट्रिक नेशनलिज्म की बात की गई है। इन दिस चैप्टर द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट द गांधीयन नेशनल मूवमेंट, मतलब गांधी जी जब आए तो गांधी जी के आगमन के बाद भारत की आजादी का आंदोलन किस तरह से आगे चलता है। सच्चाई अगर आप देखोगे नेशनल मूवमेंट के अंदर तो हमको 1850 के बाद राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत मजबूती से उभरते हुए देखने को मिलेगा। इन द 1850s एरा, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1850s, वी डू गेट एविडेंसेस दैट द इंडियन नेशनलिज्म इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। पर ये क्या था कि इसमें जो एनसीईआरटी का बुक डिजाइन किया गया है उसमें नेशनल मूवमेंट को यहां से जोड़ा गया। वैसा क्यों जोड़ा गया है साहब? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा पिछले क्लास की एनसीईआरटी की तरफ लेके जाना चाहूंगा। अगर आप स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी को थोड़ा याद करोगे, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी, या स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी को भी आप थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करोगे, तो हमको दो चीजें पता चल रही हैं। 8वीं और 9वीं की एनसीईआरटी के अंदर आपको कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ जो मॉडरेट लीडरशिप थी उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें लिखी गई है। इसमें फिरोज शाह मेहता की बात की गई है, दादा भाई नौरोजी जी की बात की गई है, दिनशा वाचा की बात की गई है साहब। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमको ये चीज मिल रही है। स्टैंडर्ड 10th तक आते आते जो नेशनल मूवमेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो इसी के अंदर ये चैप्टर 2 के अंदर हाईलाइट किया गया है साहब। ठीक है ना? तो हम लोग ये चैप्टर को पहले चले जाते हैं, चैप्टर को थोड़ा बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कि ये चैप्टर के अंदर क्या 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 चीजें हाईलाइट की गई है और ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो किसके साथ हाईलाइट, इनफैक्ट हम लोग पढ़ सकते हैं मेनली व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेशनलिस्टिक एजेंडा एंड द होल नेशनल इश्यूज साहब, है ना? तो लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे साहब। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहता है? एज यू सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। यूरोप के अंदर जो आधुनिक राष्ट्रवाद जो है इसके कारण बहुत सारे कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ, नेशन स्टेट्स, राष्ट्र राज्य जिसे हम लोग पहचानते हैं। अब नेशन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वॉट इज अ नेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो कल्चरल फीलिंग आपके यहाँ पे आती है, सांस्कृतिक रूप से आपको एक होने की फीलिंग आती है, उसको राष्ट्र कहते हैं। स्टेट्स की जो व्याख्या है, स्टेट जिसे हम लोग पहचानते हैं आज की तारीख में पॉलिटी के अंदर, वो मकाईवरी ने दिया था साहब, और वो मेनली 15th सेंचुरी की डेफिनेशन है, जहाँ बोला गया है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया हो जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हो, उनके बीच में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, साथों साथ सोवरेनिटी, सार्वभौमत्व जो है वो लोगों के हाथ में रहना चाहिए, तो उसे हम लोग राज्य के रूप में पहचानेंगे। यूरोप के अंदर बेसिकली पब्लिक के हाथ में सत्ता आ गई, जिसे हम लोग कहेंगे वी द पीपल, है ना? अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कराने की कोशिश की थी कि यूरोप में जो स्टेट्स की जो सिस्टम है वहाँ वी द पीपल का बहुत बड़ा रोल प्ले है ना?
सो इन द प्रीवियस सेशन आई हैड ऑलरेडी डिस्कस, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि ये जो वी द पीपल वाला टॉपिक है ये कहाँ से उभर के आ रहा है साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको दो तीन चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पे समझ में आ रही है। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू सी दैट कि ये जो वी द पीपल वाले सिस्टम है इसके कारण यूरोपियन नेशनलिज्म स्ट्रांग होता है। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे 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 यूरोप के लोगों के अंदर बेसिकली ये जो आइडेंटिटी है उनके अंदर, अपने अंदर जो खुद का कंट्री बनाने की जो फीलिंग है वो स्ट्रांग हो रही है। उन्होंने अलग अलग गाने लिखे, उन्होंने अलग अलग बेसिकली विचार दिए। इसके कारण बेसिकली क्या होता है कि आपके यहाँ पे कंट्रीज की स्थापना की शुरुआत हो गई साहब, ठीक है। इस तरह से जो यूरोपियन आइडेंटिटी बनती है मेनली नेशनल आइडेंटिटी के रूप में, वो रातों रात नहीं बनी थी। इसके पीछे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, बहुत सारे विचारक के उभर के आए थे। और मैंने आपको बताया था रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया आता है जो बहुत पॉपुलर होगा। रोमांटिक नेशनलिज्म अगर आपको याद होगा तो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां नेशनलिज्म को कविताओं के द्वारा, नेशनलिज्म को गानों के द्वारा, नेशनलिज्म को पेंटिंग्स के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई थी। हमने देखा था मदर जर्मेनिया, मतलब ब्रिटानिया साहब, है ना, मरीन करके जो फ्रेंच लेडी है उनको दर्शाया गया था। तो इंडिया के अंदर कैसे उभर के आता है, हाउ डिड दी मॉडर्न नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया साहब, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को हम लोग को हाईलाइट करके देखना है कि इंडिया में कॉन्शियसनेस कैसे आया। अब देखो ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी को ही कहेंगे एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। क्या कहेंगे दोस्तों, एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। तो कॉलोनी की जो सिस्टम थी उसके सामने बोलने की हमको बेसिकली एक विचारधारा डेवलप हुई, दिस इज नोन एज एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। तो ये जो एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस है इंडिया के अंदर कैसे उभर के आई साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस है उसके पीछे का कारण भारत के अंदर एजुकेशन का डेवलपमेंट होना, भारत के अंदर ब्रिटिश रूल का पूरी तरह से एक्सपोज होना। अगर आपको जानकारी होगी तो ब्रिटिश रूल बहुत ही श्रूड था, ब्रिटिश रूल इंडिया के अगेंस्ट में था, ब्रिटिश रूल्स ने इंडिया का बहुत सारा शोषण किया है। आपको भी पता है साहब इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन किया, ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सपोज हो रही थी, है ना। तो क्या हो रहा है कि जैसे वियतनाम जैसा कंट्री विच वॉज वंस अपॉन अ कंट्रोल बाय द यूरोपियन साहब, और फिर बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आप चले जाओगे तो आपको इंडोनेशिया दिखेगा विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डच। ये सब रीजन्स के अंदर बेसिकली जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चला, वैसे ही इंडिया के अंदर भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलेगा साहब, ठीक है। उनको लग रहा था कि भाई देखिए कि ये जो कॉलोनी बनी है हमारी और हम लोग का जो शोषण हो रहा है उसके सामने हमको आवाज उठाना पड़ेगा, उसके सामने हमको बोलना पड़ेगा साहब। तो इस तरह से बेसिकली ये नेशनलिज्म की जो विचारधारा है ये पॉपुलर होने की शुरुआत होती है। इंडिया अब बेसिकली नेशन के रूप में आपको बहुत सारी टफ चीजें दिखेंगी। अब देखो नेशन के रूप में क्यों टफ चीजें दिखती है उसके पीछे का कारण बताता हूँ। अब देखिए यूरोप में बेसिकली कंट्री किसके आधार के ऊपर बने थे, इन यूरोप ऑन व्हाट बेसिस द कंट्रीज वर फॉर्म। अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे का क्लास याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जो कंट्रीज बने हैं वो बेसिस कौन सा था। तो बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वॉज द लैंग्वेज, द बेसिस ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वॉज द कास्ट, मतलब जिसे हम लोग रेस के रूप में पहचानेंगे। द बेसिस फॉर द यूरोपियन कंट्रीज जो बेसिकली यूरोप के अंदर बन के आए वो कौन से आधार के ऊपर थे, वो बेसिकली उनके कल्चर के रूप में थे। और बहुत सारे यूरोप के अलग अलग जो समूह के लोग थे उन्होंने अपने अपने कंट्रीज बनाए। इंडिया के अंदर आपको मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको एक सिंगल यूनिफाइंग फैक्टर नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडिया में क्या है कि अलग अलग रेस के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, जाति भी हम लोग कहते हैं साहब, है ना। ये इसी तौर के ऊपर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं साहब, अलग अलग संस्कृति बोलने वाले लोग हैं। पर क्या हुआ कि हम लोग को एक कॉमन फैक्टर था और वो कॉमन एनिमी हमारा हुआ करता था, वो कौन था, कॉलोनियलिज्म साहब, है ना। तो बिकॉज देर वॉज अ कॉमन एनिमी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया साहब, है ना, भारत के लोगों के लिए एक कॉमन दुश्मन था, वो था कॉलोनियलिज्म। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जब कॉलोनियलिज्म ने ऑप्रेस किया साहब, ऑप्रेस करने का मतलब क्या है कि जब शोषण करने की कोशिश की तो जितने भी अलग अलग छोटे मोटे समूह थे ना सबके सब इकट्ठे आते हैं साहब, गेटिंग अ पॉइंट। तो इंडियन नेशनलिज्म जो है, ये इंडियन नेशनलिज्म की खासियत हमको एक बहुत इंटरेस्टिंगली देखने को मिलेगी कि इंडियन नेशनलिज्म के अंदर बहुत सारे ग्रुप साथ में आए। ये ग्रुप्स में आपको राइट की विचारधारा दिखेगी, ये ग्रुप्स के अंदर आपको लेफ्ट की विचारधारा दिखेगी। द राइटिस्ट सिस्टम एंड द लेफ्टिस्ट सिस्टम आपको पता होगा दोस्तों, है ना। तो ये जो राइट लेफ्ट का जो चक्कर है वो हमको देखने को मिलता है साहब। अब प्रश्न ये होता है कि जब इंडियन नेशनलिज्म के अंदर अलग अलग लोग इकट्ठे होंगे साहब, तो इन सब लोगों के अंदर अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता क्या है कि इंडियन नेशनलिज्म में आपको इनिशियली जो लीडर्स दिखेंगे उनको हम लोग कहते हैं मॉडरेट्स। आपने किताबों के अंदर भी पढ़ा होगा एंड यू माइट बी अवेयर कि बिकॉज इंडियन नेशनलिज्म वॉज हैविंग नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ यूनिफाइंग और आई वुड से होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद जो था वो राष्ट्रवाद को एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि होमोजीनिटी आपको नहीं दिखेगी। क्यों?
क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स थे, देयर वर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हु वर फाइटिंग टू क्लेम अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये सब क्लेम कर रहे थे कि हम लोग अंग्रेजों के सामने फाइट कर रहे हैं. प्रश्न ये था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है इसके अंदर आपको अलग अलग आइडेंटिटी के लोग दिखेंगे. जैसे कांग्रेस की मैं बात करूंगा तो कांग्रेस को सबसे पहले चलाने वाले लोग थे उन्हें हम लोग कहते हैं मॉडरेट्स. आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना सबसे प्रारंभिक जिन जिन लोगों ने की थी उसको नरम दल के लोग के रूप में पहचानते हैं. नरम दल क्यों कहते हैं, वाई देवर कॉल्ड एस नरम पंथी या नरम दल के लोग, तो उसके पीछे का कारण भी कुछ है. उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है जिसे हम लोग नरम दल के रूप में पहचानेंगे, उसका मुख्य बेसिस या मुख्य कारण आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चल रहा है, ये वो लोग थे, दिस वर दिस पीपल, जो बेसिकली हमेशा ब्रिटिश सरकार के फेवर में तो रहे ही है, हमेशा उनके लॉयल भी रहे हैं. और इनका मानना यह है कि हम लोग अंग्रेजों के सामने विद्रोह नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ रिवॉल्ट साहब, ठीक है. तो एक ये ग्रुप था कांग्रेस के अंदर. उसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको भारत के अंदर ही ये कांग्रेस जो थी, ये कांग्रेस के अंदर आपको एक और ग्रुप दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिसे हम लोग चरमपंथी के रूप में पहचानते हैं, जो मेनली बेसिकली कहते थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम लोग कैसे भी करके लेंगे साहब, ठीक है. तो एक ग्रुप आया एक्सट्रीमिस्ट का, तो ये भी अपना एक ग्रुप चला रहे हैं सब, अपना इनका भी एक सिस्टम चल रहा है. तीसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के साथ साथ नेशनल मूवमेंट की ही जब हम लोग बात करेंगे तो हमको बेसिकली सोशल वेस के अंदर आपको कम्युनिस्ट लोग दिखेंगे या रिवॉल्यूशनरीज दिख जाएंगे साहब, है ना. तो वी फाइंड द रिवॉल्यूशनरीज. तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस जम रही थी, जो आगे पॉपुलर हो रही थी, उसमें अलग अलग समूह थे साहब, है ना. उसमें क्रांतिकारी भी थे, उसमें नरमपंथी थे, उसमें चरमपंथी थे, इसमें पीजेंट्स भी हुआ करते थे, इसमें मजदूर भी हुआ करते थे साहब. तो इसमें आपको देखोगे तो आपको पीजेंट्स भी दिखेंगे, इसमें देखोगे तो आपको वर्कर्स भी दिखेंगे साहब, इसके अंदर आपको बहुत सारे अमीर लोग भी मिल जाएंगे आपको. यू विल ऑल्सो फाइंड द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास. तो वी सी दैट द इंडस्ट्रियल क्लास वॉज ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन सर्टेन केसेस. तो कहानी क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जितने भी अलग अलग क्लासेस के लोग हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, इन सब लोगों का ब्रिटिश रूल के कारण बहुत एक्सप्लोटेशन हुआ, इन सब लोगों का ब्रिटिश रूल के कारण बहुत सारा शोषण हुआ. और इसी के कारण ये लोग बेसिकली अपने इंडिविजुअल फाइट कर रहे थे. जैसे भारत के अंदर मैं बात करूंगा तो भारत के अंदर जैसे मॉडरेट्स ने हमेशा बेसिकली रिफॉर्म्स की बात की है. इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमको ब्रिटिशर्स के सामने तलवार उठा के विद्रोह कर देना चाहिए. एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो बेसिकली तिलक जैसे लोग थे, लाला लाजपत राय जैसे लोग थे, और अरबिंदो जैसे लोग मिलेंगे आपको, महर्षि अरविंद कहते हैं जिन्हें, जिनका मानना था कि हमको एक स्टेप आगे जाके ब्रिटिशर्स के सामने कुछ करना चाहिए साहब. और उनके सामने जो तीसरे रिवॉल्यूशनरीज थे, ये रिवॉल्यूशनरी तो बहुत क्लियर कट अपने थॉट प्रोसेस के साथ जुड़े हुए, जो कहते हैं कि हम विद्रोही करके हमको भारत की आज़ादी दिलाएंगे. तो क्या है कि इन सब लोगों की जो विचारधारा थी राष्ट्रवाद की, वो भी बहुत डिफरेंट थी. ये सब नेशनलिस्ट थे, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये एंटी नेशनल थे या प्रो ब्रिटिश दिखेंगे कम्प्लीटली, पर इन सब का अप्रोच अलग अलग था. तो इसके कारण क्या हुआ कि इंडियन नेशनलिज्म जो सबसे अर्ली फेज में आया, अर्ली फेज का मतलब है कि 1920 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1915 या 1920s के पहले की, ठीक है ना. तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियन नेशनलिज्म जो है, ये इंडियन नेशनलिज्म आपको दो फेज के अंदर देखने को मिलेगा साहब, ठीक है. ये इंडियन नेशनलिज्म के अंदर ये हो रहा है दोस्तों कि जब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखने की कोशिश करते हैं, कि जब हमने अर्ली फेज देखा तो अर्ली फेज के अंदर हमको पता चल रहा है कि नेशनल मूवमेंट बहुत ही स्केटर्ड हुआ करता था. स्केटर्ड क्यों था, क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हुआ करते थे, ये लोग अपने हिसाब से फाइट करते थे. ये डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य तीन विचारधारा थी, एक नरमपंथी विचारधारा थी, एक गर्मपंथी विचारधारा थी, बेसिकली दैट इज नोन एज एक्सट्रीमिज्म साहब. इसके अंदर आपको कुछ कुछ लोग ऐसे भी दिखेंगे जिसे हम लोग कहेंगे रिवॉल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी लोग भी हुआ करते थे, ठीक है ना. तो ये जो मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज थे, ये अर्ली फेज में बेसिकली अपना राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे थे. कब से चला रहे थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि समवेयर इन द ईयर 1885, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से इन्होंने अपनी विचारधारा को पॉपुलराइज कराते हुए नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया था साहब, ठीक है. प्रॉब्लम ये था कि इनके कारण, ये जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, इसके कारण यूनिटी नहीं आ रही थी. सो नेशनल मूवमेंट वॉज वेरी मच स्केटर्ड. स्केटर्ड समझ में आता है आपको, बिखरा हुआ था साहब, है ना. एक यहाँ पे आंदोलन कर रहा है, एक वहाँ पे कोई इशू चला रहा है, क्रांतिकारी बम का गोला डाल रहे हैं. तो इसके कारण क्या हो रहा है कि नेशनल मूवमेंट के अंदर एक थॉट नहीं आया था. इन सब विचार को इनफैक्ट यूनिफाई किया गया 1915 तक आते आते था, क्योंकि 1915 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमको पता चल रहा है कि गांधी जी का आगमन हुआ साहब, है ना. सो गांधी जी का जब आगमन होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, जब वो एंटर करेंगे,
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा नेशनलिज्म की आइडेंटिटी है वो और मजबूत हो जाएगी साहब, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको क्या देखने को मिल रहा है? इंडियन नेशनलिज्म का जो पूरा पर्सपेक्टिव है उसमें गांधी की एंट्री एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगी, क्योंकि गांधी क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो है, उन सबको एक छतरी के अंदर लेके आएंगे साहब, ठीक है। सो गांधी का बहुत बड़ा योगदान है कि वो यूनिफाई करेंगे साहब, और जब ये यूनिफाई करते हैं तो उसके कारण एक सिंगल मूवमेंट के रूप में इसको चलाया जाता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो क्या होगा कि गांधी के आगमन के बाद नेशनल मूवमेंट जो है उसके अंदर आपको बेसिकली एक सिंगल मूवमेंट का डेवलपमेंट दिखेगा, और यही मूवमेंट बेसिकली आप देखोगे तो एक एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस को जन्म देता है, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश रूल के सामने बोलने की बात हो रही है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में खड़े होने की बात हो रही है, एक सिंगल पर्सपेक्टिव में डेवलप करने की बात कर रही है, इन सब कीचों के पीछे, इन सब चीजों के पीछे आपको गांधी का योगदान बहुत बड़ा दिखेगा। तो हम लोग को आज के क्लास के अंदर भी जो डिस्कस करना है वो गांधीयन पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में गांधी जी के पर्सपेक्टिव से ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, समझे दोस्तों, है ना। तो इनफैक्ट एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि देर आर डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स दैट अफेक्ट द कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली, ब्रिटिश रूल ने उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली अलग अलग प्रकार से इम्पैक्ट किया था, और इसके लिए इनके राष्ट्रवाद के जो फीलिंग्स थे, इनके जो आज़ादी के जो विचार थे वो भी अलग अलग थे। गांधी जी ने आके ये सब ग्रुपों को बेसिकली एक सिंगल मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की, और कहानी ये चलती है कि जब गांधी जी ने इन सबको यूनिफाई किया तो भी इनके अंदर छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट होती रहती थी साहब, ठीक है, हेडिंग अपॉन। सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेशनल मूवमेंट जो है वो बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट रहा है। नेशनल मूवमेंट के अंदर अलग अलग जो पार्टीज है, जो जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, उन सबके बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहेंगे साहब, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें लिखी है। तो मैंने आपको बताया है कि नेशनल मूवमेंट में जो अर्ली फेज के लीडर्स थे उन सब के बारे में ये चैप्टर में नहीं लिखा गया है, ये चैप्टर के अंदर लिखा गया है द स्टोरी फ्रॉम 1920s, 1920 ऑनवर्ड से भारत की आजादी का आंदोलन कैसे चल रहा है। अब 1920 के पहले क्या आजादी का आंदोलन नहीं हुआ? अरे भाई साहब, होता तो बहुत सारा है, पर सिलेबस के अंदर आपके ये चैप्टर के अंदर नहीं लिखा है तो मैं आपको उसके अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ाने बैठ गया तो आज का लेक्चर वही उसी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लस के कोर्सेज के ऊपर आइए, यू कम एंड ज्वाइन माई प्लस कोर्सेज, विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट्स इन डेप्थ, और बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैं आपके साथ डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरह से इनफैक्ट है ना डेवलपमेंट हो रहा है, और कौन सी चीजें इन इनफैक्ट है ना आगे चलने की शुरुआत होगी साहब, है ना। सो व्हाट एवर मे बी द केसेस, जो भी हमको यहाँ पे केसेस देखने को मिल रहे हैं, हम लोग एक चीज के रूप में जरूर से मानते हैं, हम लोग को एक बहुत ही क्लियर कट पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 के समय से शुरू हुआ, और 1920 के दशक से ही हमको पता चल रहा है कि जो आपके यहाँ पे गांधी जी का एंट्री हुआ, ये गांधी जी के एंट्री के बाद ही मेनली हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और वो जो डेवलपमेंट क्या है साहब, वो डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट एक नए डायमेंशन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर के अंदर गांधी की एंट्री, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखने की कोशिश करेंगे, साथों साथ ये देखेंगे कि कांग्रेस एक बॉडी के रूप में किस तरह से एक ऑल इंडिया बॉडी बनती है साहब, और इंक्लूडिंग जो भारत के लोग हैं वो राष्ट्रवाद को कैसे हाईलाइट कराते हैं, कैसे पोर्ट्रे कराते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक कि इंडिया में राष्ट्रवाद कब से मजबूत हुआ। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश की, थोड़ा टाइमलाइन से आपको समझाता हूँ कि इंडिया में राष्ट्रवाद कैसे मजबूत हो गया। अब कोई मुझे इंडियन नेशनलिज्म की डेफिनेशन की तरफ लेके जाएगा, या आप उसको मुझे क्रोनोलॉजिकल ओरिजिन की तरफ लेके जाओगे कि इंडियन नेशनलिज्म की क्रोनोलॉजी सर बता दो कि किस तरह से डेवलपमेंट चलता है, तो मैं आपको बताऊंगा साहब कि इंडियन नेशनलिज्म की क्रोनोलॉजी कहाँ कहाँ से डेवलप मिलती है और किस तरह से आगे चलता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि 1857 के आसपास का टाइम था, और आपको जानकारी होगी कि भारत के लोगों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। खैर, इसको बहुत सारे हिस्टोरियन सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, पर अगर आप सावरकर को पढ़ेंगे या और भी इनफैक्ट हिस्टोरियंस को पढ़ोगे जिनका मानना था कि दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम, भारत के लोगों ने आज़ादी के लिए आंदोलन किया था साहब, या विद्रोह किया था। खैर, 1857 ऑनवर्ड से बेसिकली ये रिवॉल्ट हुआ, और उसके बाद क्या होता है कि 1885 तक हम लोग देखेंगे तो भारत में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस की स्थापना होती है। ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, इनके बहुत सारे लीडर्स थे, और इनके लीडर्स के द्वारा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए गए थे, बहुत सारी प्रेस
पब्लिश की गई थी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। आपको जानकारी होगी इंडियन एसोसिएशन करके बॉडी थी बेसिकली, जिसका स्थापना की थी एस एन बनर्जी ने। और एस एन बनर्जी बेसिकली ये जो संस्था की स्थापना करते हैं उसके द्वारा इन्होंने बेसिकली भारत में राष्ट्रवाद मजबूत करने की कोशिश की थी। 1885 तक आते आते बेसिकली कांग्रेस की स्थापना हो, और जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो कांग्रेस को इनिशियली चलाने वाले जो लीडर्स थे इन्हें हम लोग कहते हैं मॉडरेट साहब, है ना। तो इसे हम लोग नरम दल के विचारधारा के रूप में लोग कहेंगे, जिन्होंने नरमपंथी विचारधारा के ऊपर कांग्रेस को चलाया। 1885 से लेके करीबन 1900 तक आते आते यही कांग्रेस के अंदर आपको एक और दूसरा ग्रुप मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट साहब, है ना। तो ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है बेसिकली जो कांग्रेस के अंदर ही उभर के आई, नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा के रूप में हम लोग पहचानते हैं। इनके बीच में बहुत सारा स्ट्रगल होगा, इनके बीच में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, पर बातें आगे चलती रहती है नेशनल मूवमेंट के अंदर। ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में इश्यूज चल रहे थे इसी के ही कंटिन्यूएशन में समय आगे चलता रहा, और 1905 तक आते आते भारत में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ जिसे हम लोग कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। अब आपको जानकारी होगी स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसका बेसिस जो हुआ था वो बंगाल के पार्टीशन के साथ जुड़ा हुआ है, और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि भारत में 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन नहीं चाहता था कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद और तेजी से बढ़े, एंड दिस बिकेम द प्राइम रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ द बंगाल स्टेट साहब, है ना। अब ये जो भी घटनाएं हो रही है व्हेन ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन साहब, है ना, तो इसका परिणाम हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा इनफैक्ट इशू क्रिएट हुआ। इसका परिणाम हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा इनफैक्ट है ना पॉलिटिकल चेंज आने की शुरुआत होगी। अब देखिए क्या हुआ कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ राष्ट्रवाद और बंधुत्व से लड़ा, और उसके बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की भी शुरुआत होगी। ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी बहुत तेज़ी से आगे चलते हैं, पर इन सबको दबा दिया जाता है 1907 तक आते आते, क्योंकि 1907 में कांग्रेस के अंदर टूटना हो जाता है और कांग्रेस टूट जाएगी जिसे हम लोग कहेंगे सूरत स्प्लिट के रूप में, ठीक है। सूरत के अंदर कांग्रेस का टूटना हुआ, कांग्रेस पूरी तरह से वेर बिखेर हो गई। समय आगे चलता है 1909 तक का पीरियड आता है, और 1909 में सरकार ने मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स किए थे। अब ये जितनी भी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ इससे हमको समझ में आ रहा है कि इंडियन नेशनलिज्म ये समय तक आके है कि बहुत स्ट्रांग हो गई है। प्रॉब्लम ये था कि ये जितने भी ग्रुप्स थे ये ग्रुप्स इंडियन नेशनलिज्म को उस टाइम पे चला रहे थे, तो देर वॉज नॉट वन सिंगल बॉडी विच वॉज बेसिकली कंट्रोलिंग द नेशनल मूवमेंट, देर वॉज नॉट सिंगल वन सिंगल लीडर विच वॉज कंट्रोलिंग द नेशनल मूवमेंट। और इसके कारण क्या हो रहा है कि भारत की आज़ादी की जो पूरी विचार है वो मजबूत नहीं हो रही है। कहानी ये चलती है कि समय धीरे धीरे आगे चलता गया और 1914 तक का पीरियड आया, और 1914 के आसपास अगर आपको पता होगा तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर वन, है ना। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर थोड़ी बहुत बताने की कोशिश की थी कि जब सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में संघर्ष हो रहा है, इन संघर्ष के कारण बेसिकली एक छोटा सा मैटर था, पेटी मैटर था, बट उसके कारण दुनिया ने बहुत ही विराट स्वरूप देखा जिसे विश्वयुद्ध के रूप में पहचानते हैं। 1914 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी, इस दौरान 1915 तक आते आते गांधी जी भारत के अंदर एंट्री हुए साहब, है ना। और गांधी भारत के अंदर एंट्री हो रहे हैं तो गांधी जी सोच रहे हैं कि मुझे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ करना पड़ेगा, आई नीड टू डू समथिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट साहब, है ना। बट उस दौरान क्या हो रहा है कि गांधी जी को अपने राजकीय गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सलाह दी थी कि गांधी जी आप एक काम करिए, पहले आप थोड़ा भारत को देखिए, उसके बाद नेशनल मूवमेंट को जाइएगा साहब, ठीक है। तो गांधी क्या करते हैं, ऑल इंडिया टूर करते हैं, और 1915 से लेके 1918-19 तक आते आते मेनली हमको पता चलता है कि गांधी जी ने तीन बड़े बड़े आंदोलन के अंदर भाग लिया, एक चंपारण, एक अहमदाबाद और एक खेड़ा। आपको पता होगा कि ये तीनों के तीनों आंदोलनों की खासियत ये थी कि गांधी जी ने उसको एक नया स्वरूप दिया जिसे हम लोग कहेंगे सत्याग्रह। तो आज के क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि सत्याग्रह किसे कहते हैं, सत्याग्रह का जो डेवलपमेंट क्या था। अब आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा है तब भारत के अंदर आज़ादी का आंदोलन मजबूत होगा, क्योंकि बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके पीछे भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि ब्रिटेन्स डिफिकल्टीज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, ब्रिटेन तकलीफ में है तो भारत को इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान एक साइड के ऊपर जर्मनी था, जर्मनी टर्की ऑटोमन एम्पायर बेसिकली आप देखोगे ऑस्ट्रिया हुआ करता था, दूसरे साइड के ऊपर ब्रिटेन फ्रांस, उनकी हालत ख़राब कर दी थी, है ना। तो इस समय पे आपके बहुत सारे इवेंट्स होंगे, तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट और स्ट्रांग होगा, और ये स्ट्रांग होने के पीछे का कारण गांधी जी की एंट्री है। यही गांधी जी 1919 तक आते आते बेसिकली रॉलेट नाम का जो कानून आएगा, ये रॉलेट एक्ट के सामने बहुत बड़ा सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे जिसे हम लोग कहेंगे रॉलेट सत्याग्रह। और यहाँ से बेसिकली गांधी जी ने सब कुछ जो यूनिफिकेशन करने की शुरुआत की, ये यूनिफिकेशन धीरे धीरे आगे चलेगा नेशनल मूवमेंट के अंदर, और 1920-21 तक आते आते यही इंटरनेशनल मूवमेंट के अंदर खिलाफत नाम के इशू को इन्होंने हाईलाइट कराया,
और खिलाफत के साथ साथ एक और आंदोलन की शुरुआत की जिसे हम लोग कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साहब, ठीक है ना। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसी के ऊपर आपका ये चैप्टर डिस्कस कर रहा है, पर मुझे आपको ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ और क्यों इनफैक्ट ये इतना सारा टाइम फ्रेम आया उसके साथ टॉपिक को लिंकअप करने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ा। अब चलिए एनसीईआरटी क्या कहता है, व्हाट डज द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट, एनसीईआरटी नेशनलिज्म के ऊपर क्या कहता है, गांधी जी की एंट्री के बाद इंडियन नेशनलिज्म कैसे आगे चला, उसके ऊपर एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा जो टॉपिक दिया है कैसे दिया हुआ था, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने दिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब इंडियन नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही आउटकम था कि भारत के अंदर खिलाफत और नॉन कॉपरेशन का आंदोलन भी और मजबूत होगा साहब, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ दिया हुआ है बेसिकली जब भारत के लोग हड़ताल कर रहे थे 1919 के अंदर 6 अप्रैल के दिन, जहां बहुत बड़ी मात्रा में स्ट्राइक हो रही थी। अब ये स्ट्राइक और सत्याग्रह क्यों हो रहे थे उसके पीछे थोड़ा बहुत गांधी को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी साहब। देखिए मैंने आपको बताया कि भारत में जो राष्ट्रवाद की चरम सीमा थी, मतलब इंडियन नेशनलिज्म का सबसे पीक पॉइंट था, वो 1919 तक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1919 तक आते आते भारत के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि एक ऑल इंडिया मूवमेंट की तरफ नेशनल मूवमेंट चल रहा है। ऑल इंडिया मूवमेंट का मतलब क्या है कि इसके पहले जो भी आंदोलन हो रहे थे वो आंदोलनों के अंदर आपको क्षणिक या छोटे छोटे विस्तार के अंदर आपको मूवमेंट दिखेंगे। जैसे 1905 के अंदर बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट होना, तो स्वदेशी मूवमेंट कैसा मूवमेंट था, वो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा मूवमेंट था जो एक विशेष विस्तार तक सीमित था। इट वॉज अ मूवमेंट विच वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, दैट वॉज बंगाल साहब। उससे ज्यादा कुछ आगे नहीं हो पाया था साहब, ठीक है ना। उसी दौर के ऊपर जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दी अदर एरियाज, जब हम लोग दूसरे एरियाज को भी देखेंगे या रिवोल्यूशनरीज को देखेंगे, तो उस दौरान भी हमको यही मिल रहा है कि इनफैक्ट लिमिटेड एरियाज ही हमको देखने को मिलेंगे। पर 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार के ऊपर था, तो उस दौरान नेशनल मूवमेंट जो है भारत के अलग अलग विस्तारों में गया, अलग अलग ग्रुपिंग्स आए, अलग अलग प्रकार की मेथडोलॉजी डेवलप होती है। पहले क्या था कि लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बंदूक उठा देंगे, हम लोग तलवार उठा देंगे, विद्रोह कर देंगे। गांधी ने एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल दिया। न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल समझ में आता है आपको, ठीक है। न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल का मतलब यह है कि भारत के लोगों के अंदर जो लड़ने की जो फीलिंग थी उसमें सिंप्लीफिकेशन लाया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सत्याग्रह के रूप में, है ना। तो ये जो सत्याग्रह क्या है इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, आई विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज सत्याग्रह एंड ये क्यों इस तरह से विचारधारा के रूप में बहुत ही पॉपुलर होता है। अब आप समझने की कोशिश करिए, प्रश्न ये आता है कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट बेसिकली क्यों स्ट्रांग होता है, क्यों वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हुआ। उसके पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके तक आते आते भारत का आर्थिक और साथों साथ राजकीय परिस्थिति बदल रहा है। व्हेन द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडिया के अंदर जो हुआ बहुत पीक के ऊपर चला गया। वैसा क्यों होता है, तो आपको भी पता है दोस्तों कि जब जब युद्ध होगा, वेन एवर वॉर विल टेक प्लेस, तो वॉट इट विल लीड टू, वॉर विल लीड टू इन्फ्लेशन, वॉर इट विल लीड टू वॉट, इट विल लीड टू स्कैरसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज साहब, है ना। कि जब जब बेसिकली युद्ध होता है तो आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन होने की शक्यता है, आपके यहाँ पे बेसिकली इतनी सारी सामानों की स्कैरसिटी आ जाएगी कि बात मत करिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर जब युद्ध थोपा, वर्ल्ड वॉर वन की जब शुरुआत हुई, तो उसके बाद भारत के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए गए, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के कस्टम बैरियर्स या कस्टम ड्यूटीज लगाई गई साहब, इंक्लूडिंग इनकम टैक्सेस भी भारत के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। तो आप समझने की कोशिश करोगे कि भारत के लोग ऑलरेडी ब्रिटिश रूल की वो है ना कि वजन झेल रहे थे, उनके ऊपर ऑलरेडी बोझा था। ब्रिटिशर्स ने जिस हिसाब से इंडिया को गवर्न किया है वो गवर्नेंस का टॉपिक हमको देख के समझ में आता है कि इंडिया का पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया गया था। इवन व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग, वर्ल्ड वॉर को जो इम्पैक्ट पड़ती है ये इम्पैक्ट के कारण हमको पता चल रहा है कि कॉमन मैन की कमर टूटती गई थी। ये कॉमन मैन की कमर क्यों तोड़ी गई थी, तो टैक्सेस इम्पोज किए गए। आप समझने की कोशिश करोगे कि इन्फ्लेशन इतना हाई हुआ कि 4 या 5 सालों के अंदर आपके प्राइसेस डबल हो गए। एक सिंपल पानी की बोतल, एक दूध की जो थैली थी जो एक टाइम के ऊपर आधा आने की या एक आने की मिला करती थी, वो बेसिकली अब 4 आना 5 आना की होने की शुरुआत हो गई है। कपड़ा जो था आपका मंथली जो खर्चा चल रहा था 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 30 रुपये में ख़त्म हो जाता था, वो अब 100-100 रुपये का एक्सपेंसिस हो रहा है। क्योंकि पहले के टाइम के अंदर तो क्या प्राइसेस उतने ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, तो मंथली फूड एक्सपेंसिस अगर आप देखें 30-40 रुपये आता है तो वो 80 रुपये 100 रुपये के ऊपर चला गया साहब, है ना। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि कॉमन मैन के लिए बहुत एक्सट्रीम हार्डशिप आ गई थी, है ना। ऊपर से अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर फोर्स रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि भारत के जितने भी लोग हैं उन सबको युद्ध के अंदर भाग लेना कंपलसरी है।
अब युद्ध अंग्रेजों ने किया था, द वॉर वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश, ये जो युद्ध है ये अंग्रेजों ने शुरू किया, हमने तो किया नहीं था, वी वर नॉट द वंस हु स्टार्टेड द वॉर, द वॉर वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश, द वॉर वॉज फॉट अमंग द यूरोपियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया जर्मनी था, सर्बिया और फिर ऑस्ट्रिया था, रशिया था, है ना, फ्रांस था, लेटर ऑन अमरीका कुत्ता है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था, पर हमको कहा गया कि नहीं आपको यहाँ सैनिक भी देने हैं, आपको पैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स भारत के लोगों के ऊपर इम्पोज किया गया, इंडिया के लोग कुछ भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर रेवेन्यू आपको देनी पड़ेगी साहब, है ना, एग्रीकल्चर के ऊपर सब कुछ डबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के खर्चे जो है, ब्रिटेन के जो एक्सपेंसिस है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, तो इन सब चीजों से क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब, है ना। तो जब युद्ध चला 1915 तक आते आते या 1913 के बाद जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, ये वर्ल्ड वॉर के कारण इंडियन नेशनलिज्म स्ट्रांग होगा, क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी वर फीलिंग एलियनेटेड, मैंने आपको बताया कि हम लोग ब्रिटिश रूल से नाराज थे, हम लोग ब्रिटिश रूल के हमेशा अगेंस्ट में रही है, वी डिड नॉट लाइक द ब्रिटिश रूल, है ना, कि ये क्या शोषण है हम लोग का, किस बात का शोषण हो रहा है, बट समहाउ वी वर कीपिंग मम, हमारे लोग जो थे वो चुप बैठे थे कि भाई चलो आज नहीं तो कल इसका सॉल्यूशन मिलेगा, पर युद्ध के अंदर जब हमको धकेला गया तो नेशनलिज्म बहुत बड़ा, ये नेशनलिज्म पूरी तरह से अलग अलग ग्रुप्स को जन्म दे रहा है, अलग अलग विचारधारा को, अलग अलग प्रोटेस्ट मूवमेंट को, इनफैक्ट ये जन्म दे रहा है साहब, गेटिंग अपॉन, है ना। तो क्या हो रहा है कि भारत के अंदर 1918-19 के समय के आधे इनफैक्ट बहुत बड़ी क्रॉप फेलियर हो रही है, उस दौरान अगर आप देखोगे तो इन्फ्लुएंजा नाम की एकेडेमिक, बेसिकली उस टाइम पे भी छोटा कोरोना आया हुआ था, आप देखोगे ये फ्लू ही था, एक प्रकार का बीमारी थी जिसके कारण बहुत लोग मारे गए साहब। 1920 के आसपास के दशक के अंदर भारत में करीबन 13 मिलियन के आसपास, कैन यू इमेजिन साहब, है ना, 30 मिलियन पीपल पास्ड अवे साहब, मतलब करीबन आप पकड़ के चलिए 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ होता है, इसका कहानी ये है कि दिस इज अराउंड 1.3 करोड़ पीपल पास्ड अवे इन द डिसीजेस एंड द एपिडेमिक दैट फॉलोड इन दिस पॉइंट, है ना। तो भारत के अंदर क्या हो रहा है कि एक ऐसी कंडीशन है 1914-15 से 20 के बीच में जहाँ कंटिन्यूसली बहुत सारे इश्यूज है साहब, समझे कि नहीं समझे। तो व्हाट इज हैपनिंग कि द पीरियड फ्रॉम 1914 to 1920 वॉज अ पीरियड ऑफ हार्डशिप फॉर द इंडियन पीपल, दिस वॉज अ पीरियड वेर द इंडियन पीपल वर पॉलिटिकली एक्सप्लॉयटेड वेन दे वर बेसिकली फोर्स टू एंटर द वर्ल्ड वॉर, वी वर बेसिकली इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड वेन द टैक्सेज इम्पोज, अवर ह्यूमन लाइफ, हमारी जो लाइफ है वो खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बोले इंडियंस मरे तो मरे, इंडियंस का क्या लेना देना, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब। इंडिया के लोगों को सोल्जर्स के रूप में फोर्स रिक्रूटमेंट की गई, मैंने आपको बताया फोर्स रिक्रूटमेंट, जहां लोगों को कहा गया कि आपको सेना के अंदर ज्वाइन करना है, अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी पिटाई की जाएगी, इंडिया के लोगों के ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए गए, तो आप देखोगे तो क्या हो रहा है साहब, है ना। तो लोगों की कंडीशन बहुत खराब हो गई, लोग इतने नाराज थे, लोग इतने दुखी थे ब्रिटिश रूल से कि बात मत करिए। अब इस दौरान बेसिकली इंडिया के लोगों को एक ऐसा थॉट था कि युद्ध खत्म होने के बाद हम लोग का जो बेसिकली कंडीशन है थोड़ा सुधरेगा, पर सुधराने ऊपर से और खराब हो गया। वर्ल्ड वॉर वन जब 1919 में ख़त्म हुआ उसके बाद तो और सिचुएशन खराब होती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि 1914 से लेके 1919-20 का जो पीरियड था, ये पीरियड के अंदर बहुत ट्रांजिशंस हो रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़े वैक्यूम से चल रहा था, और उस दौरान भारतीय राष्ट्रवाद और तेजी से बढ़ रहा है, पर उनको दिशा नहीं मिल रही है। जब ये दिशा नहीं मिल रही थी तब एक नेता उभर के आए, एक सितारा उभर के आए, है ना, अंधेरे में से एक प्रकाश का आपको एक दिया दिखेगा साहब, यू विल फाइंड अ रे ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम अ डार्क टनल एंड द पैसेज, और वो थे गांधी। गांधी ने कहा कि देखो तुम्हारे दुखों का कारण क्या है, भारत के लोगों के दुखों का कारण क्या है, भारत के लोगों का दुखों का कारण है बेसिकली ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल हमारा एक्सप्लोइटेशन कर रहा है, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, सो इफ द ब्रिटिश रूल इज एक्सप्लोइटिंग अस वी नीड टू डू समथिंग, हमको कुछ बोलना पड़ेगा, उनके सामने आवाज उठाना पड़ेगा साहब। तो ये जो कंडीशन क्रिएट की गई है, व्हेन दिस होल कंडीशन वाज क्रिएटेड साहब, है ना, तो दिस विल क्रिएट द बेसिस, ये एक ऐसा बेसिस क्रिएट करेगा जहां पे एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल की शुरुआत होगी, ये न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल को ही सत्याग्रह कहते हैं, समझे आप लोग, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट को जब हम लोग समझते हैं, या इंडियन नेशनल जो पूरा मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्यों हुआ, और इंडियन नेशनलिज्म पीक के ऊपर कब जाती है, तो याद रखिएगा कि इंडियन नेशनलिज्म जो एक विचारधारा है, ये इंडियन नेशनलिज्म बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन के समय पे बहुत पॉपुलर होगी, ये पीक के ऊपर जाएगी बिकॉज ऑफ एन आउटकम ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन साहब, है ना। और वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हमको जो कंडीशन क्रिएट की गई थी उसका कोई सॉल्यूशन ना मिला, और सॉल्यूशन ना मिला इसके लिए बेसिकली एक न्यू मेथड ऑफ प्रोटेस्ट आया,
एक न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल शुरुआत होती है, और ये जो न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल बेसिकली जिसने दी थी वो थे गांधी, और ये वही गांधी है बेसिकली जो न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल को सत्याग्रह के रूप में पहचानते हैं साहब, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई, तो हम लोग कह सकते हैं कि सत्याग्रह की प्रॉपर शुरुआत नेशनल मूवमेंट के अंदर कहीं से होगी तो गांधी जी के आगमन के बाद होगी। तो पहले क्या था साहब, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की कि जब हम लोग इंडियन नेशनलिज्म को ओवरऑल देखते हैं तो हमको पता चलता है कि अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके बीच में राइवलरी थी, जिनके बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, इसके लिए लोग आगे नहीं चल पा रहे थे। पर होता यह है कि गांधी जी जब बीच में आए 1915 ऑनवर्ड से जब आते हैं, 1920-21 तक आते आते वो इतने पॉपुलर हो गए कि उनके सत्याग्रह के विचार के ऊपर दो तीन बड़े बड़े आंदोलन होंगे साहब, समझे नहीं समझे। अब प्रश्न ये आता है कि गांधी जी का आगमन कब से हुआ, प्रश्न ये आता है कि गांधी जी का आगमन कब से हुआ। पहला प्रश्न तो ये आया साहब कि गांधी जी बेसिकली कब आए, व्हेन ही केम टू इंडिया साहब, व्हेन ही केम टू इंडिया साहब, ठीक है ना। पहला प्रश्न ये आता है आपका, नॉर्मली आपको पता होगा 1915 को 9 जनवरी के दिन गांधी जी आए थे। ये वही दिन है जब हम लोग आज की तारीख में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी फॉरेन गए हुए इंडियंस हैं उन सबका नाता इंडियंस के साथ ही आज के भारत के साथ जुड़ा रहना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूड विद द प्रेजेंट डे कंट्री, एंड हेंस दिस बिकम्स द बेसिस बिहाइंड द प्रवासी भारतीय दिवस एज वेल। खैर, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है कि गांधी जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने बेसिकली भारत के अंदर आके सत्याग्रह की जो विचारधारा है, ये सत्याग्रह की विचारधारा को और पॉपुलराइज किया था, ठीक है ना। सो ही ट्राइड टू पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब सवाल ये था कि व्हाट इज सत्याग्रह, देन ये प्रश्न आता है साहब, हाउ सत्याग्रह बिकेम सक्सेसफुल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर ये सत्याग्रह का विचारधारा कैसे पॉपुलर होता है साहब, और गांधी जी का किस तरह से ओपिनियन था सत्याग्रह के ऊपर, व्हाट वॉज गांधीयन थॉट ऑन सत्याग्रह। अब लेट अस गो टू द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बाय गांधी, लेट अस सी कि गांधी जी ने ये सत्याग्रह भारत के ऊपर उपयोग करने के पहले कहीं और यूज किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो आप देखोगे तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का मेथड दिया है ये नेशनल मूवमेंट के अंदर तो हम लोग यूज करेंगे ही, ये सत्याग्रह बेसिकली आपको अफ्रीका के अंदर भी दिखेगा। अब अफ्रीका के अंदर क्यों दिखेगा, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, गांधी जी 1893 के अंदर एक्चुअली अफ्रीका जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, मैंने पूरी की पूरी जो गांधीयन स्ट्रगल है उसके ऊपर एक मास्टर क्लास लिया हुआ है, आपको ये यूट्यूब के ऊपर ही दिखेगा, द जर्नी ऑफ गांधी फ्रॉम मोहन टू महात्मा, कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी बेसिकली इवेंचुअली महात्मा गांधी के रूप में परिवर्तित हुए। 1893 में गांधी जब अफ्रीका गए ना, तो अफ्रीका के अंदर जाके सेटल हो गए। सो वंस ही सेटल्ड इन अफ्रीका, होता ये है कि वो देख रहे हैं कि भारत के लोगों के साथ काफ़ी सारे अन्याय हो रहे हैं अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका वॉज ऑल्सो ब्रिटिश कॉलोनी, एंड बींग अ ब्रिटिश कॉलोनी अफ्रीका के अंदर ऐसा था कि जो सोशल कंडीशंस थी उसमें जो अफ्रीका के ओरिजिनल लोग थे, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं नेटिव्स कहते हैं उनको, या वहाँ के स्थानिक लोग के रूप में हम लोग पहचानेंगे, उनका तो बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द वाइट पीपल। भारत के लोगों का भी इशू चल रहा था, भारत को भी एक्सप्लॉयट किया जा रहा था जो भारतीय मूल के लोग थे उनको। तो गांधी क्या करेंगे कि इनिशियली वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सो ही विल बी मेकिंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नताल इंडियन कांग्रेस नाम की एक बॉडी, आपने नाम सुना होगा किताबों के अंदर। और जब उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया ना, व्हेन ही फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका इश्यू ये था, उनका मेन कंसर्न ये था कि इंडियंस को जस्टिस मिले अफ्रीका के अंदर, मतलब इंडियंस के साथ जो होने वाला भेदभाव है ये भेदभाव थोड़ा कम होना चाहिए, बस एक ही इंटेंशन से उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी नताल इंडियन कांग्रेस की। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी उस टाइम पे लिखा करते थे, अगर आपने नाम सुना होगा इंडियन ओपिनियन करके न्यूज़पेपर था, इंडियन ओपिनियन बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर रहा जहाँ इंडियंस के जो इश्यूज़ थे वो अफ्रीका के अंदर उन्होंने हाईलाइट कराए थे। तो काफ़ी लंबी जर्नी है उनकी अफ्रीका के अंदर। तो पहले 10-12 साल, मतलब 1893 से करीबन आप देखोगे तो 1906 तक का जो पीरियड था, उस पीरियड के दौरान गांधी का अफ्रीका के अंदर जो पूरा हम लोग कह सकते हैं कि जर्नी है, उसमें आपको काफ़ी सारी मॉडरेट पॉलिटिशियंस की विचारधारा दिखेगी। मॉडरेट्स मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली ब्रिटिशर्स के कभी अगेंस्ट में जाने की बात नहीं करेंगे, वही विचारधारा थी, नरम दलित की विचारधारा, नरमपंथी कह सकते हैं हम लोग गांधी को, जो कहते थे कि हम लोग रिफॉर्म्स मांगेंगे। तो उन्होंने काफ़ी सारी लेटर्स लिखी, अर्जियाँ भी लिखी सरकार को, इनफैक्ट सरकार को
जो इंडियंस की कंडीशन है वो हाईलाइट भी कराई, पर कुछ होता नहीं है, नथिंग विल हैपन साहब, ठीक है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज हेल्बेंट टू एक्सप्लॉइट इंडियंस। तो गांधी जब अफ्रीका में थे ना, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून पास किए। ये कानूनों में उटपटांग कानून थे, जैसे एक आईडी कार्ड रखने का कानून था जिसे रजिस्ट्रेशन कार्ड के रूप में पहचानते थे साहब, और बोला गया था कि ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ये खाली इंडियंस को ही रखना है, ओनली इंडियंस आर सपोज टू कीप इट। सो गांधी वॉज वेरी मच अगेंस्ट दैट कि यार ये आप कैसे कह सकते हो खाली भारत के लोग ही ये कार्ड रखेंगे और कोई नहीं रख पाएगा, और किसी को कंपलसरी नहीं इंडियंस के लिए कंपलसरी। तो गांधी जी ने उसको लेके डिसाइड किया कि मैं इसका विरोध करूंगा। तो ये जो विरोध करने का चक्कर था, उसमें दो प्रकार का प्रोटेस्ट कर सकता है कोई भी इंसान होता है, ही हैज टू वे ऑफ प्रोटेस्टिंग साहब। तो आप कोई भी चीज को प्रोटेस्ट कर सकते हो इन अ वन वे, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव प्रोटेस्ट। एक्टिव प्रोटेस्ट का मतलब है कि आप जाओ थोड़ा हिंसा कर दो, पत्थर मार दो किसी को, चाटा मार के आओ कि तुमने क्यों बेसिकली ये चीज की। और दूसरा होता है पैसिव वे के अंदर प्रोटेस्ट करना साहब, कोई भी चीज का आप विरोध कर रहे हो पर बहुत शांतिप्रिय रूप से, और बेसिकली आप समझने की कोशिश करोगे तो उसको रेजिस्ट कर रहे हो, पर आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं पिटाई कर दूंगा आपकी, मैं आपको आपके मुद्दों के साथ हाईलाइट कराने आया हूं और हमारे जो मुद्दे हैं, हमको जो न्याय चाहिए उसके लिए मांग कर रहा हूं, पर शांतिप्रिय रूप से। ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है, इसी को सत्याग्रह कहते हैं साहब, है ना। तो आपको पता होगा टॉल्स्टॉय जैसे लीडर्स को गांधी फॉलो किया करते थे, जॉन रस्किन जैसे लीडर्स थे जिनकी किताबें बहुत पॉपुलर थी उस टाइम पे भी, उनसे मोटिवेट भी हुए थे, वहां से उन्होंने ये सत्याग्रह का विचार लाया था। तो उस टाइम पे इंडियंस के साथ बहुत सारा आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, जैसे इंडियंस को लेके अफ्रीका के अंदर एक कानून पास किया गया था जिसमें मैरिजेस की बात हो रही थी, कि कहा गया था कि भारतीय रीति रिवाज से अगर शादी ना की हो तो शादी को इलीगल कंसीडर कर दिया जाएगा। या बेसिकली एक इशू था मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेके, कि जहाँ बेसिकली इंडियंस को ये रजिस्ट्रेशन कार्ड रखना है, आईडी कार्ड रखना है साहब, है ना, तो उसको लेके इश्यूज चल रहे थे साहब। तीसरा अगर आप देखोगे तो वहाँ से अफ्रीका के अंदर बहुत सारा इंडियन लेबर हुआ करता था, मजदूर हुआ करते थे, और ये जितने भी लेबर थे मजदूर थे उनका भी एक्सप्लोटेशन चल रहा था अफ्रीका के अंदर। तो ये जितने लेबर क्लास था उनके रिलेटेड भी इश्यूज काफ़ी बहुत उभर के आ रहे थे, तो गांधी ने उसको लेके भी प्रश्न उठाया कि ये लेबर का शोषण क्यों हो रहा है, और लेबर के ऊपर टैक्स इम्पोज किया था अफ्रीका की सरकार ने, वो भी बॉन्डेड लेबर था साहब ऑलरेडी, एक तो उसको सैलरी नहीं मिलती है, बहुत ही कम सैलरी मिलती है, उसके ऊपर भी आपने टैक्स इम्पोज, गांधी ये सब इश्यू बहुत चला। उसमें एक चौथा इशू उभर के आया था, वो था आपकी माइग्रेशन का साहब, है ना, इमिग्रेशन को लेके था साहब। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी पॉइंट आपको दिखेगी साहब, कहानी ये है कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो वहाँ ब्रिटिश सरकार बहुत रेशियल रही है, जिसे हम लोग नस्ल भेद के रूप में पहचान, जैसे गांधी अफ्रीका के अंदर जब उतरे पहली बार, आपको जानकारी होगी कि वो डरबन नाम का बंदरगाह है वहाँ पर उतरे थे, साउथ ईस्ट अफ्रीका के अंदर आपको ये पोर्ट दिखेगा, और डरबन पे उतरने के बाद ही वो सपोज टू गो टू प्रिटोरिया, और रेलवे की फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठे हुए थे, उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें अफ्रीका के अंदर बहुत कॉमन थी, दिस वॉज वेरी मच कॉमन फॉर दी आई वुड से इंडियन कम्युनिटी, खास करके जो ब्राउन लोग थे उनके लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग वाइट मैन सुप्रीमेसी के अंदर मानते थे, इन लोग का मानना था कि गोरे लोग सबसे सर्वोच्च है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर क्या हुआ, गांधी जी को जब ये सब अंग्रेजों का शोषण पता चला, व्हेन ही रियलाइज कि ब्रिटिश हमारा इतना सारा शोषण कर रहे हैं अलग अलग रूप से, उसमें कानून पास किया गया था जिसका नाम है इमिग्रेशन एक्ट। ये इमिग्रेशन एक्ट की खासियत ये थी कि अफ्रीका के अंदर दो राज्यों के बीच में आप माइग्रेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, समझे कि नहीं समझे, बहुत इंटरेस्टिंगली कानून बता रहा हूँ। अब इंडियंस क्या थे, वहाँ पे मजदूरी करने गए थे, देयर वर मेनी इंडियंस हु हैड बेसिकली माइग्रेटेड टू अफ्रीका एंड दे आर वर्किंग एज लेबरर्स, वर्कर्स मजदूरी करने गए थे। गांधी एक ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लॉयर्स इन अफ्रीका जो इंडियन ओरिजिन के थे, बाकी इंडियंस का कोई लॉयर भी नहीं था अफ्रीका के, ऐसी कंडीशन थी अफ्रीका में इंडियंस की, सारी भाषा में आप देखिए। तो जब सरकार ने कानून पास किया और कहा कि एक राज्यों से दूसरे राज्य में आप जा नहीं सकते, यू कैन नॉट गो ओवर देयर, गांधी कहते हैं कि मैं इसका विरोध करूंगा, और कैसे विरोध करूंगा, आपको लाफा मार के नहीं करूंगा, मैं चलूंगा और आपने जो बॉर्डर बनाई है उसको क्रॉस करके मेरे मजदूर भाइयों के साथ, मेरे किसान भाइयों के साथ जो वहां पर मजदूरी करने गए थे, उन सब के साथ आपके कानून का विरोध करूंगा। इसी को ही सत्याग्रह के रूप में कहा गया। आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो,
जो ये स्क्रीन के ऊपर कब से लगा हुआ है उसकी स्टोरी ही आपको इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको नेशनलिज्म की थीम बता रहा हूं कि सत्याग्रह किसे कहते हैं। जो जो चीजें आपने कानूनी रूप से भले बनाई हो, जो जो चीजें आपने अपने ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर क्रिएट की हो, इट डजंट मैटर टू मी, गांधी क्या कहते हैं, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे यही देखना है कि आप हमारा शोषण इन्फेक्ट कर रहे हो, उसका मैं विरोध कर रहा हूं। आपने कानून बनाया कि एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं जा सकते, आप बेसिकली इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे एक जगह के ऊपर। गांधी ने कहा मैं तोड़ दूंगा सर। ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी को ही ये फोटोग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। 1913 का 6 नवंबर का फोटोग्राफ है जहां इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉक ट्रस्ट, महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यूकासल टू ट्रांसवाल, ट्रांसवाल इज टू बी स्टेट। When the marchers were stopped and Gandhi ji arrested, 1,000 more workers joined the satyagraha against the racist law that denied the rights to the non-whites. अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंगली बात मैंने आपको बताई कि अफ्रीका के अंदर जो रेसिज्म की पॉलिसी थी, ये पॉलिसी जो खास करके नॉन वाइट्स के ऊपर इम्पोज की गई थी, मतलब जो गोरे ना हो ऐसे, हमारे जैसे अश्वेत लोग जिसे हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ब्राउन है ना सब। विटिश कहा जाता है इंडियंस के लिए, एक शब्द होता है विटिश कॉम्प्लेक्शन, तो ये विटिश शब्द के साथ जुड़ी हुई पॉलिसी आपको दिखेगी अफ्रीका के अंदर। खैर, अब ये सब चीजों को पढ़ाने का इंटेंशन क्या था, व्हाई दिस आई एम टीचिंग यू ऑल दिस बैकग्राउंड ऑफ गांधी इन अफ्रीका, क्योंकि गांधी जब इंडिया आए ना तो उन्होंने यही टेक्निक का सहारा इंडिया में लिया है। व्हेन गांधी केम टू अफ्रीका, व्हेन गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, ही फॉलोड द सेम काइंड ऑफ टेक्निक। यही टेक्निक का सहारा गांधी जी इंडिया में भी लेंगे और इसी के कारण ये टेक्निक पॉपुलर हुई सर। 1920 के दशक में तो ये सहारा लिया ही जाएगा जब खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, बट इसके पहले गांधी जी 3 छोटे मोटे आंदोलन करेंगे, उसमें भी ये सत्याग्रह का बेसिकली बेसिस बनाएंगे सर। गेटिंग ओपन, सो वी सी कि ये जो सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह क्या है, ये सत्याग्रह क्यों प्रपोज किया गया था, और सत्याग्रह जो है वो किस तरह से डिफाइन किया है गांधी के द्वारा, उसको समझना बहुत जरूरी है साहब। गेटिंग ओपन, तो 2-3 पॉइंट के ऊपर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। गांधी जी क्यों ये कहते हैं कि हमको अहिंसा के रास्ते के ऊपर जाना चाहिए, गांधी जी क्यों ये कहते हैं कि हम लोग सत्य का आग्रह मतलब सत्य के पथ के ऊपर चलेंगे, विल बी गोइंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, है ना, उसके पीछे का कारण क्या है, व्हाई ही टॉक्ड अबाउट दिस होल पॉइंट साहब। ये सत्याग्रह को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेशनल मूवमेंट जो है वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह के ऊपर ही है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जब तक आप सत्याग्रह नहीं समझोगे, और बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है सत्याग्रह की सर, ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट आपको यहां देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, एनसीईआरटी क्या कहता है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजीम with a novel mass method called as the satyagraha. He emphasized the satyagraha, the power of truth and the need to search for the truth. आप सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलो, और basically गांधी का ये मानना था कि if the cause was true, अगर आप जो चीज के लिए fight कर रहे हो वो सच्ची है, तो eventually आपके ऊपर कोई भी pressure लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर basically कोई भी infect ना दुनिया की बहुत बड़ी ताकत आके आपको दबाने की कोशिश करोगी, आप ऑटोमेटिकली उसके सामने रेजिस्ट कर सकते हो और शांति प्रिय रूप से अपनी जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल है उसको भी बेसिकली आप हाईलाइट कर सकते हो, और जो ऑपरेसर है मतलब जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है उसको भी तुम ये हाईलाइट कर सकते हो कि देखो भाई, तुम हमको कितना भी दबाने की कोशिश करो, हम सत्य के मार्ग के ऊपर चलने वाले लोग हैं, हम आपके द्वारा जो जो इश्यूज उठाए गए हैं, आपने हमारा जो शोषण करने की कोशिश की है, हम लोग उसका विरोध करते हैं, हम लोग इसको कभी भी नहीं स्वीकारेंगे साहब। ये बेसिस जो होता है बेसिकली ये सत्याग्रह के बेसिस के ऊपर आपको दिखेगा। ये गांधी जी ने बहुत ही पॉपुलराइज कराया, गांधी बेसिकली पॉपुलराइज दिस आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, अफ्रीका के अंदर इन्होंने चलाया था, और यही बेसिकली इशू अगर आप समझने की कोशिश करोगे गांधी जी ने इंडिया में आके किया। इस सब कंडीशन के ऊपर गांधी जी का ये मानना था कि अगर भारत के लोग ऑल इंडियंस फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह तो सब के सब यूनाइटेड हो सकते हैं, और जब यूनाइटेड होंगे तो हमारे जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर कौन है साहब, ब्रिटिश है, उसके सामने भी आवाज उठाएंगे,
कैसे आवाज़ उठाएंगे नॉन वायलेंट स्ट्रगल के रूप में, एक भी पत्थर नहीं डालेंगे, वो कितना भी कुछ भी कर दे सर। और आज नहीं तो कल हमारे ऑप्रेसर को एहसास होगा, हमारे ऊपर जो शोषण करने वाला बंदा है, हमारा पॉलिटिकल स्टिग्मेटाइजेशन करने वाला जो इंसान है, उसको ये रियलाइजेशन होगा कि हम गलत कर रहे हैं साहब। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो इशू है, उसके अंदर गांधी बहुत क्लियर कट कहते हैं कि हमको सत्य के मार्ग के ऊपर जाना है, हमको सत्य के पथ के ऊपर जाना है। वी आर सपोज टू गो टू द आइडिया ऑफ ट्रूथ, ट्रूथफुलनेस के रूप में कहते हैं। ये सत्याग्रह के रूप में उन्होंने यही कहा है कि इवेंचुअली जो इंसान सत्याग्रह का आधार बना के अपना जीवन चलाएगा, उसको आज नहीं तो कल उसकी जय होने वाली है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा मुंडक उपनिषद के अंदर भी, भारतीय जो किताबें हैं, वेद है, उपनिषद है, उसमें भी एक स्लोगन बहुत ही प्रचलित हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते, द ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। गांधी का भी ये मानना था कि हमारे ऊपर कोई भी कानून लागू कर दो, हमारे ऊपर कोई भी प्रकार की आप सिस्टम को इम्पोज कर दो, हमको जेल में डाल दो, हमारा कितना भी पिटाई कर दो, हम शांति प्रिय रूप से इनफैक्ट आपका विरोध करेंगे। गांधी को पता था कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। इन सबको यूनिफाई करना है तो एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, और ये जो कॉमन आइडेंटिटी है वो सत्याग्रह की आइडेंटिटी है जो हम सबको यूनिफाई करेगी। क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया है जो लोगों को पॉपुलराइज भी हो पाएगा और लोगों के साथ जुड़ भी पाएगा। शांति प्रिय रूप से कोई भी चीज का अगर आपको प्रोटेस्ट करना हो तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी सही। आप समझिए कि गांधी के पहले क्रांतिकारी घटनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हो रही थी 1915 के पहले। 1915 के पहले भारत के आजादी के आंदोलन के अंदर जब क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी दोस्त, तो उस घटनाओं में बहुत मास रिप्रेजेंटेशन और मास पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। मास रिप्रेजेंटेशन, मास पार्टिसिपेशन मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का जुड़ना। अब सवाल यह था कि क्यों नहीं हुआ, व्हाई डिड द मास पार्टिसिपेशन एंड द मास रिप्रेजेंटेशन नॉट टुक प्लेस। द रीजन वॉज द मेथड ऑफ रेजिस्टिंग द ब्रिटिश वॉज वेरी टफ टू बी फॉलोड बाय द मासेस। अंग्रेजों को जिस हिसाब से रेजिस्ट करने की मेथडोलॉजी ये क्रांतिकारियों ने दिखाई थी, वो एक आवाम के रूप में जो भारत का जनमानस था उसके दिमाग में कभी नहीं बैठेगी। पर जैसे ही गांधी पिक्चर के अंदर आए और गांधी ने लोगों को कहा कि घर के बाहर निकलना है आपको और शांति प्रिय रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चुपचाप हड़ताल के ऊपर बैठ जाना है, मौन व्रत लगा के खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उपवास के ऊपर बैठे हैं, तो लोग उनसे अपील होंगे कि नहीं होंगे? लोगों को लगेगा कि भाई ये रास्ता ठीक है, अंग्रेजों का विरोध भी करना है, हमको भी थोड़ी बहुत नेशनलिज्म आ जाएगी, साथों साथ हमारे अंदर का जो मेथड ऑफ प्रोटेस्ट है उसमें हमको ये डर नहीं रहेगा कि ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर टूट पड़ेगी। क्योंकि हम लोग जब अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार ने हमारे ऊपर कोई भी कानूनी रूप से या फोर्स का इनफैक्ट इम्पोज करने की कोशिश की तो उसकी बदनामी भी होगी, उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न भी उठेंगे, बहुत सारी चीजें हैं सर। सो दिस इज द प्राइम रीजन वाई गांधी डिसाइडेड टू परस्यू द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अफ्रीका में करके आए थे, इंडिया में कर रहे हैं। भारत में 1915 में गांधी जी का आगमन होना, 1915 में तो गांधी जी कोई राजकीय रूप से आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। 1916 के अंदर गांधी थोड़े एक्टिव हुए, उन्होंने बेसिकली भारत दर्शन किया। उस दौरान भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं या ये आंदोलन के बारे में आपको पता होगा, पर एनी बेसेंट और तिलक महाराज उसको चला रहे थे। तो ये जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, व्हेन दिस होम रूल आंदोलन वॉज गोइंग ऑन, इस समय भी गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेंगे। जब होम रूल चल रहा था तो गांधी उस टाइम पे कुछ विपरीत दिशा में घूम रहे थे, और विपरीत दिशा थी आपकी बिहार की। होता यह है कि 1916 के अप्रैल के बाद मेनली उनको चंपारण के अंदर इनवाइट किया गया बाय अ पीजेंट कॉल्ड एस दी राजकुमार शुक्ला। आपने नाम सुना होगा उनका, राजकुमार शुक्ला करके किसान नेता थे, वहां के स्थानिक थे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के अंदर।
वो गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए यहाँ पे और किसानों का इश्यू देखिए। अब कहानी क्या है चंपारण के अंदर कि एक बहुत ही बुरी प्रथा चल रही थी जिसे हम लोग कहेंगे प्लांटेशन सिस्टम। ये प्लांटेशन सिस्टम के बेसिकली इश्यू को लेके गांधी जी को वहां पे आमंत्रित किया गया। अगर आपको स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी के बारे में कुछ कुछ टॉपिक याद होंगे तो मैंने आपको इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में कुछ बताया था, अगर आपको याद होगा तो सर, जिसे हम लोग नील की खेती कहते हैं सर। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये बागायत खेती कॉलोनियलिज्म का एक आउटकम था। जब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो ये बागायत खेती के रूप में आपको बहुत सारा प्लांटेशन सेक्टर का डेवलपमेंट दिखेगा, जहां इंडिया के एग्रीकल्चर को बहुत एक्सप्लोर भी किया गया था। ये जो इंडिगो कल्टीवेशन या बागायत खेती का जो मुद्दा था ये सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ था, पर बंगाल में तो किसानों का बहुत शोषण हो गया, तो 1858 के आसपास बंगाल में किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया, द इंडिगो रिवोल्ट। उसके ऊपर से अगर आपने देखी होगी किताब लिखी गई थी नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा ने लिखी थी, है ये इंडिगो की खेती फिर बंगाल से शिफ्ट होकर बिहार की तरफ चली गई। पहले भी बिहार में होती थी पर फिर लेटर ऑन काफी बड़ी मात्रा में चलती है। तो ये तो बिहार के अंदर ये जो इंडिगो की खेती, जो नील की खेती होने शुरू हुई, उसमें एक प्रथा आती है जिसे हम लोग कहते हैं तीन कठिया सिस्टम। ये तीन कठिया सिस्टम में किसानों का बहुत शोषण हुआ। किसानों को कंपलसरी इंडिगो ग्रो कराने की एक बेसिकली प्रेशराइज किया जाता था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा। उनको बोला जाता था कि अगर आपने इंडिगो ग्रो नहीं कराया तो आपकी पिटाई हो जाएगी, आपको हम लोग मारेंगे कूटेंगे साहब। बहुत शोषण हुआ, किसानों ने कहा कि हमको बख्श दो। तो गांधी जी को इनवाइट किया गया और ये जो इंडिगो की जो खेती थी, नील की जो खेती हो रही थी, उसमें भी ये जो तीन कटिया सिस्टम है उसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा सत्याग्रह चलाया। अब सत्याग्रह क्या था? तो गांधी जी ने इंडिगो के जो किसान थे, नील के किसान थे, उनको कहा कि आप इसको उगाना बंद कर दीजिए, यू स्टॉप ग्रोइंग इंडिगो, वी विल सी दस कंसिक्वेंसेस बिहाइंड दैट। मैंने आपको बताया ना सत्याग्रह, कि आप सत्या के मार्ग के ऊपर चल रहे हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने जब देखा कि ये जो तीन कटिया सिस्टम है बहुत ही ऑपरेसिव है, गांधी जी ने जब देखा कि वहां के किसानों का शोषण बहुत हो रहा है, तो गांधी किसानों को मोटिवेट करते हैं कि यू स्टॉप ग्रोइंग इंडिगो, मैं इसके सामने लड़ूंगा। और गांधी जी ने वहां पे बहुत बड़ा सत्याग्रह किया साहब, इसी को ही हम लोग इंडिगो सत्याग्रह के रूप में पहचानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के रूप में पहचानते हैं। चंपारण के अंदर उनका पहला सत्याग्रह था साहब। ये सत्याग्रह उतना पॉपुलर हुआ जहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर लेटर ऑन आदेश दिया कि यहाँ पे ये जो नील की बागायत खेती हो रही है, कौन से सिस्टम के द्वारा, तीन कठिया सिस्टम के द्वारा हो रही है, उसको बैन कर देना चाहिए, उसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए। यू कैन इमेजिन कि हाउ बिग द सत्याग्रह वॉज एंड वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ गांधीज एंट्री इन टू द सत्याग्रह। सो वी सी कि इस तरह से एक सत्याग्रह का डिमांड आपको यहां से आइडिया देखने को मिलेगा। 1916 के बाद गांधी जी 1917 के अंदर एक और सत्याग्रह करेंगे, बेसिकली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर आपको पता होगा गुजरात के अंदर किसानों ने पाक उगाया था, अपना धान उगाने की कोशिश की थी, और हमारी जो एग्रीकल्चर है ट्रेडिशनली वो रेनफेड एग्रीकल्चर है। ब्रिटिशर्स ने कुछ इरिगेशन के ऊपर तो फोकस किया नहीं, ना ही उन्होंने भारत के अंदर डेवलपमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर का कि जहाँ सिंचाई हो पाए, खेती को लेके पानी पहुंच पाए। तो बारिश होती थी तो पाक उग जाता था, बारिश नहीं होती थी तो पाक निष्फल जाता था। बारिश हुई तो आपका क्रॉप होगा और बारिश नहीं होगी तो क्रॉप नहीं होगा। अब आप समझने की कोशिश करिए कि खेड़ा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, वही खेड़ा जहाँ से आपका अमूल आजकल दूध आता है ना साहब, 1949 के बाद त्रिभुवनदास पटेल जैसे लोग, मुरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, लेटर ऑन वर्गीस कुरियन जुड़े और फिर पूरा अमूल मॉडल उभर के आया खेड़ा से ही। यही खेड़ा 30 साल पहले 1918 के आसपास के पीरियड के दौरान आप देखोगे वहाँ किसानों ने कहा कि यार हमारे यहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं हो रहा है, हमारा क्रॉप फेलियर हो गया है, यहाँ बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है। प्लेग की बीमारी थी उस टाइम पे, हैजा था, चूहे वाली बीमारी। और उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार टैक्स लागू कर रही है, रेवेन्यू ले रही है। 1918 में क्यों टैक्स लिया गया ये खेड़ा के अंदर, 17-18 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। और वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार को रेवेन्यू का टारगेट था कि भाई कैसे भी करके कमा के दो। तो किसान इससे बहुत नाराज थे, द फार्मर्स वर नॉट हैप्पी। स्टिल बी सी
कि गांधी जी देख रहे हैं कि वहां के जो किसान हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, उन सब ने छोटा मोटा एजिटेशन किया, पर सरकार ने कहा कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, यू आर सपोज टू पे अप द टैक्सेस इरिस्पेक्टिव आपका क्रॉप उगा है कि नहीं उगा है। खैर एक रेवेन्यू कोड का मैटर था, पर आई एम नॉट गोइंग इनटू द रेवेन्यू कोड एरिया, आपको खाली ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि खेड़ा में क्या हुआ था। गांधी जी जब गए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उन्होंने वहां पे सर्वे किया, ही डिड अ होल सर्वे, उन्होंने देखा कि इन लोग की डिमांड कितनी हद तक जायज है, ये जो किसान भाई है हमारे ये जो डिमांड कर रहे हैं ये वैलिड है कि नॉन वैलिड है, मतलब ठीक है कि नहीं है सर। गांधी जी ने देखा कि यार क्रॉप फेलियर तो हुआ है यहाँ पे, आपका जो बारिश फेल हो गई है इसके कारण जो किसानों को नुकसान बहुत हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप रेवेन्यू मत दीजिए। किसान को डर लग रहा था, सरकार ने आदेश निकाला था कि अगर आप रेवेन्यू नहीं दोगे, टैक्स नहीं दोगे सरकार को, किसान भाइयों को, तो आपकी जमीन जब्त कर दी जाएगी। गांधी ने कहा हम सत्य के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन अ पाथ ऑफ ट्रूथ, एंड हम लोग जब सच्चाई के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं तो बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है हम लोग को उसकी सामने डटे रहना है, और हम देखेंगे कि सरकार कैसे जमीन ले भी लेती है, और ले लेती है तो भी हम लोग है ना हमारे मार्ग से हटेंगे नहीं। 1917 में जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ तब इतना बड़ा गांधी जी ने एजिटेशन चलाया जिसके कारण गांधी जी से प्रभावित होके सब किसानों ने बहिष्कार कर दिया, नो टैक्स मूवमेंट चलता है, नो रेवेन्यू मूवमेंट चला, सत्य के मार्ग के ऊपर चला, क्योंकि सबका नुकसान हो रहा था, एवरीवन वाज फेसिंग द लॉस, बट द गवर्नमेंट वांटेड टू टेक द रेवेन्यू सर। ये कंडीशन के अंदर हमको पता चल रहा है कि किसानों की जो आवाज उठाई गांधी जी ने खेड़ा में, उसके बाद सरकार ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई सबसे पैसा मत लेना, जिसको देना है वो दीजिए, पर गांधी जी का ये सत्याग्रह भी बहुत सक्सेसफुल रहा था, खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा हुआ उसके बाद एग्जैक्टली 1918 के अंदर, उसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में अहमदाबाद के अंदर गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया, मजदूरों का सत्याग्रह। मिल मजदूरों का सत्याग्रह इतना प्रोमिनेंट है नेशनल मूवमेंट के अंदर, अहमदाबाद में उस टाइम पे प्लेग आया हुआ था, देयर वाज अ ह्यूज प्लेग, और वो प्लेग आने के कारण जो मजदूर थे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उन लोगों ने अपने मालिकों को कहा था कि सर हमको हमारी तनख्वाह बढ़ा के दे दो, प्लीज इंक्रीज द सैलरी एंड द वेजेस दैट वी आर बीइंग पेड। द रीजन वाई दे आर डिमांडिंग मोर सैलरी एंड द तनख्वाह, तो उनका एक ही कारण था कि सर आप हमको तनख्वाह बढ़ा के दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, हमारा घर भी चल पाएगा, है ना, और ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर के कारण इन्फ्लेशन है, हमको खर्चा अफोर्ड नहीं होता है। एंड अहमदाबाद एट दैट टाइम वॉज नोन एज द टेक्सटाइल हब, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे अहमदाबाद को साहब, तो बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ था उस पीरियड के अंदर। अब अहमदाबाद के अंदर जब ये घटनाएं हो रही है, व्हेन ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, मिल मालिकों ने मजदूरों की मांग को नहीं स्वीकारा, द मिल ओनर्स डिड नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ सैलरी राइज बाय द वर्कर्स, तो वर्कर्स बेचारे नाराज थे। गांधी जी ने कहा कि क्यों नाराज हो रहे हो, मैं बैठा हूं आपके साथ, आप सत्याग्रह करो, तो गांधी जी वहां पे भी सत्याग्रह करेंगे। खैर इसके अंदर बहुत सारे न्यूआंसिस है अहमदाबाद सत्याग्रह के अंदर, आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल, पर कहने की बात यह है कि गांधी एक चीज के ऊपर कह रहे थे कि इफ यू बिलीव दैट योर कॉज इज फॉर ट्रूथ, आपका जो कॉज है, आप जो कारण से सत्याग्रह कर रहे हो वो सच्चा है, तो आपको डरने की कोई प्रश्न नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू फियर। ये चीज सत्याग्रह का सबसे कोर आस्पेक्ट था। 1916, 17 और 18 के अंदर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा नाम के तीन सत्याग्रह जब गांधी ने किए, ये तीन सत्याग्रह के आधार के ऊपर गांधी एक ऑल इंडिया लीडर के रूप में उभर के आ गए थे। ही हैड ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑल इंडिया लीडर, एंड बिकॉज वो एक ऑल इंडिया लीडर के रूप में उभर के आ चुके हैं, उसके बाद उनका जो सत्याग्रह का जो पूरा नोशन है वो बदल जाएगा, और जहां जहां ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसे उठपटांग कानून के द्वारा, उठपटांग पद्धतियों के द्वारा भारत के लोगों का शोषण करने की कोशिश करेगी या भारत के लोगों को दबाने की कोशिश करेंगी, वहां गांधी आगे आके कहेंगे कि मैं सत्य के मार्ग के ऊपर मैं चलूंगा, आपको रोकना है तो रोक के दिखाइए सर, गेटिंग माय पॉइंट ऑन, है ना। अब मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह के मीनिंग के ऊपर
गांधी जी का क्या मानना है और सत्याग्रह के पर्सपेक्टिव के ऊपर बेसिकली गांधी क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, क्योंकि इसी से ही आप सत्याग्रह की पूरी जो विचार है उसको समझ भी पाओगे। अब गांधी क्या कहते हैं, लिखते हैं कि इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन ओनली बी यूज बाय द स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश करोगे तो गांधी कहते हैं कि लोगों का मानना है कि जब आप पैसिव रेजिस्टेंस करते हो तो ये तो बेसिकली बहुत ही कमजोर वेपन है, आप शांति प्रिय रूप में जाके बैठ गए और आपने कुछ नहीं किया, ये तो क्या है। गांधी कहते हैं कि ये शांति प्रिय रूप में बैठना ये कोई कमजोरियत की निशानी नहीं है, इसमें आपको बहुत संयम चाहिए होता है, और ये खाली जो मजबूत और बहुत ही दृढ़ मनोबल धराते हुए जो इंसान है वही इस प्रकार का कार्य कर पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंगली बता रहा हूं, लोगों को लगता है कि कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि लोग चुप रहते हैं, आप किसी को इंस्टिगेट करोगे ना एट टाइम्स तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, यू विल फाइंड मेनी पर्सन दे विल ऑलवेज स्टे काम, आप उसको कितना भी इंसाइट कर दो, आप उसको कितना भी गुस्सा दिलाओ, फिर उसको चिढ़ाने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए एट टाइम्स आप देखोगे ना तो लोग उनको वहां तक चिढ़ा देते हैं कि का भाई कमजोर हो क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे। अरे भाई, रिएक्ट ना करना या शांति प्रिय रूप से जवाब देना ये आपकी कमजोरियत की निशानी नहीं है, ये आपकी मजबूती की निशानी है। सामने वाला जो कर रहा है उसी तरह से आप रिएक्ट करोगे तो ही आप स्ट्रांग हो, वो दर्शाने की व्याख्या यहां पे जरूरी नहीं है कि लागू होगी, ये गांधी का मानना था। इसके लिए गांधी कहते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वेपन ऑफ द वीक। पैसिव रेजिस्टेंस का जो पावर है बहुत ही स्ट्रांग पावर है, पैसिव रेजिस्टेंस के द्वारा आप अच्छे अच्छे लोगों की जो विचार है वो बदल सकते हो और वो आपकी मजबूती दर्शाएगा, और बेसिकली इसी के आधार के ऊपर गांधी जी आगे लिखते हैं, दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इट इंडीड कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी, द मूवमेंट इन अफ्रीका वॉज नॉट पैसिव बट एक्टिव। साहब अब देखिए क्या कहते हैं गांधी जी, गांधी कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर मैंने जो मूवमेंट किया था वो पैसिव नहीं था पर एक्टिव था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गांधी कब अफ्रीका के अंदर थे, तो गांधी वॉज इन अफ्रीका फ्रॉम 1893 टिल 1915, बीच में दो तीन दफा इंडिया भी आए थे, लंदन भी गए थे, पर वो सेकेंडरी पॉइंट है, पर ओवरऑल वो 20-22 साल की जर्नी उनकी अफ्रीका के अंदर रही है, तो एनआरआई थे तो बीच बीच में इंडिया आए थे दो दफा। अब सवाल ये है कि गांधी कहते हैं कि ये जो पैसिव रेजिस्टेंस जो है ये एक्टिव रेजिस्टेंस के रूप में हमको सत्याग्रह के अंदर दिखेगा, और जब लोगों ने उनको पूछा कि सर व्हाट इज सत्याग्रह, तो गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, आप किसी के ऊपर बलजबरी पूर्वक किसी को प्रेशराइज करने का काम नहीं करते हो, आप किसी को हर्ट करने का काम नहीं करते हो, यू डू नॉट इन्फ्लिक्ट पेन। आप जब सत्याग्रह कर रहे हो तो आप अपना खुद का भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, सत्याग्रह के अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिव विल भी नहीं होती है, देयर इज नो इल विल इन द सत्याग्रह। और इन दिस कंडीशंस वी सी, गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह एक ऐसा रास्ता है जो आपके लिए भी फायदेकारक हो और जो सामने वाले के लिए भी फायदेकारक हो। आप शांति प्रिय रूप से सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलोगे तो इससे आपको भी नुकसान नहीं है और सामने वाला जो बंदा है जिसके सामने आप आंदोलन कर रहे हो उसको भी नुकसान नहीं है। ये बहुत प्रोमिनेंट है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन वी अंडरस्टैंड गांधी। और इसके लिए क्या कहते हैं गांधी जी, गांधी कहते हैं सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। क्या है, इट्स अ प्योर सोल फोर्स। ये हमेशा जो लोग अपनी नेक विचारों से, अपनी नेक मन से जो कर रहे हैं साहब, उसी को ही बेसिकली हम लोग सत्याग्रह के रूप में पहचानेंगे सर। और आप जब नेक मन से कोई भी चीज को करते हो तो वो फोर्स के रूप में उभर के आता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस गांधी कहते हैं कि द ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल
हमारा जो आत्मा है उसका सबसे मूल तत्व जो है वो सच्चाई है, और जब आप सोल के साथ कनेक्ट होके कोई भी कार्य करोगे तो वो फोर्स के रूप में उभर के आएगा, और वही फोर्स को गांधी क्या कहते हैं, सत्याग्रह के रूप में कहेंगे साहब, गेटिंग पॉइंट है ना। गांधी कहते हैं द सोल इज इनफॉर्म्ड विद द नॉलेज इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। क्या कहते हैं कि अहिंसा जो है वो सबसे सर्वोच्च धर्म का प्रकार है, अहिंसा परमो धर्म कहा कि नहीं कहा साहब, ठीक है ना। वो क्यों कहते हैं साहब कि भाई अहिंसा सबसे सुप्रीम धर्म, आगे की लाइन लिखना भूल गए, धर्म अहिंसा तथैव च। खैर वो तो कभी बाद में बात करेंगे, प्लस क्लासेस के ऊपर आओगे तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पर गांधी कहते हैं कि भाई आप अहिंसा के रास्ते के ऊपर चलिए, आप अपने सोल, अपना जो आत्मा है उसको प्योरीफाई करिए, सच्चाई के बल के ऊपर चलोगे तो सत्याग्रह ऑटोमेटिक आएगा और एक फोर्स के रूप में आएगा सर। गांधी को ये चीज का एहसास है कि अगर हम लोग बंदूक लेके ब्रिटिश का विरोध करोगे, अगर हमने हथियार लेके अंग्रेजों के सामने आंदोलन करने की कोशिश करेंगे तो भारत को जिस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए वो नहीं मिलेगी। इंडिया विल नॉट बी एबल टू गेट दी फ्रीडम बिकॉज इंडिया विल नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस गांधी कहते हैं कि हिंसा के रास्ते के ऊपर जाओगे तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हिंसा के रास्ते के ऊपर चलोगे तो आजादी नहीं मिलेगी। इसके लिए गांधी इसके ऊपर क्या लिखते हैं, गांधी लिखते हैं कि इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन द फोर्स ऑफ आर्म्स। हम उनके सामने बंदूकों के बल के ऊपर नहीं कंपीट कर पाएंगे, ब्रिटिश जो है वो बड़े बड़े हथियारों के साथ फाइट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के पास लेटेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है, उनके पास बहुत बड़े बड़े साधन है साहब, उनका जो धर्म है वो हिंसा का धर्म है, पर अगर इंडियंस को फाइट करना है तो हिंसा के सामने अहिंसा के साथ फाइट करना है, और हिंसा के सामने जब अहिंसा से हम लोग फाइट करेंगे तो उसमें आपको सत्य का मार्ग हमेशा पकड़ के रखना है, प्योरिटी के साथ चलना है, ऑटोमेटिकली आपको है ना क्या होगा साहब, ऑटोमेटिकली आपको आपका जो गोल है वो फुलफिल होते हुए दिखेगा। इस तरह से गांधी जी ने भारत के अंदर आगमन के बाद जब भारत की आजादी के आंदोलन को हम लोग देखेंगे तो सत्याग्रह का विचार देते हुए भारत के लोगों को और बड़ी मात्रा में जोड़ा, जो अलग अलग ग्रुपिंग्स इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर उभर के आ रहे थे उनको कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, मास बेस बढ़ाने की कोशिश की गई, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा जैसे तीन इश्यूज के ऊपर जब गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपना प्रश्न उठाया तो उसके बाद एक नेशनल लीडर के रूप में उभर के आ चुके थे। 1918 तक आते आते भारत के अंदर गांधी जी के जो सत्याग्रह के मेथोडोलॉजी थे वो काफी पॉपुलर हो चुकी थी, और ये पॉपुलर होने के कारण उनके वहां पे उनको एक लीडर के रूप में मानने वाले भी बहुत बड़ी मात्रा में उभर के आए। अब होता यह है कि गांधी जी अपने सत्याग्रह की जो विचारधारा है उसको पॉपुलर कराने के पीछे, अपना आंदोलन चलाने के पीछे गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर्स लिखने शुरू किए थे इंडिया में, खास करके अगर आपको पता होगा तो यंग इंडिया करके उनका एक न्यूज़पेपर आया करता था, या नवजीवन करके उनका न्यूज़पेपर आया करता था, और भी आपको दिखेंगे पब्लिकेशंस जिसके द्वारा गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों है, और किस तरह से हम लोग सत्याग्रह के मार्ग के ऊपर चल के ब्रिटिशर्स के सामने फाइट कर सकते हैं, इसको लेके अपना विचार प्रकट किया। पर ब्रिटिश सरकार उस दौरान काफी एक्टिव हो गई थी, और 1919 तक आते आते भारत के अंदर जो वर्ल्ड वॉर वन का आउटकम रहा है, ये आउटकम को जब हम लोग देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ी मात्रा में था, भारत के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका था, रूरल एरियाज के अंदर लोगों को बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे, इंडिया का जो यूथ था वो अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ था, और ऊपर से वर्ल्ड वॉर वन के कारण जो इम्पैक्ट हुई थी, क्षति पहुंची है, उसके कारण भी लोग नाराज थे। और इसके कारण हमको पता चल रहा है कि एक साइड के ऊपर गांधी का जो सत्याग्रह का विचार था वो तो पॉपुलर हो रहा था, दूसरी साइड के ऊपर हमको पता चल रहा है कि भारतीय यूथ जो है
वो कुछ कुछ क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के अंदर भी जुड़ रहा था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर भी जुड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार को ये सब चीजें पता चल रही है, ब्रिटिश सरकार देख रही है कि भाई साहब गांधी जी ने तीन बड़े बड़े सत्याग्रह किए, ये सत्याग्रह के आधार के ऊपर अपने पॉलिटिकल एम्स को उन्होंने अचीव किया, भारतीय रूथ और एक्टिव हो चुका है, सरकार को पता चल रहा था कि इंडियंस को कैसे भी करके डाइवर्ट करवाना है। 1919 के समय पे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन को भी इन्होंने रोकने की कोशिश की थी, जिसे हम लोग कहते हैं होम रूल आंदोलन। और 1919 में ही अगर आपको पता होगा तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड के कानून के सुधार भी लाए गए, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसके बेसिस के ऊपर इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की भी बात की गई। ये सब चीजों के बैकग्राउंड में भारतीय यूथ को और इंडियन नेशनलिज्म को दबाने के पीछे सरकार ने एक कानून लेके आया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। सिडनी रॉलेट करके एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के इसके अंदर, और रॉलेट ब्रॉट अप दिस एक्ट। उसने ये कानून के अंदर कुछ कुछ प्रावधान ऐसे रखे जहां बोला गया कि अगर कोई भी भारतीय ये कानून के तहत पकड़ा जाता है तो उसको जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा। कोई भी भारतीय अगर उसको इनफैक्ट अरेस्ट किया गया बेस्ड ऑन दिस एक्ट, तो विदाउट एनी ट्रायल, कोई भी सामान्य कानूनी कार्रवाई के बगैर उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, ना ही उसको जज की कोई कोर्ट की इंक्वायरी फेस करनी होगी, ना ही उसको कोई लीगल हेल्प दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वकील और द लॉयर्स, और वो प्रिवेंटिव वे के अंदर डिटेंशन में चला जाएगा। आप सादी भाषा में देखोगे तो रॉलेट एक्ट के द्वारा जो इंडिविजुअल लिबर्टी का कंसेप्ट है वो खत्म करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ही फंडामेंटल है व्हेन वी सी द होल इश्यू ऑफ आई वुड से ह्यूमैनिटी। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो जी नहीं पाएगा। कहा गया कि तुम बोलोगे कुछ उल्टा सुलटा कर दोगे जेल में डाल देंगे, सड़ते रहोगे जेल के अंदर। ये प्रावधान जब रॉलेट एक्ट में आए तो गांधी जी को लगा कि ये कानून तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, तो गांधी जी ने कहा कि मैं भी इसको रेजिस्ट करूंगा साहब, और मैं जब इसको रेजिस्ट करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस का रास्ता कौन सा होगा, सत्याग्रह का रास्ता होगा। इसके कारण 1919 में गांधी जी ने एक नए सत्याग्रह की शुरुआत की जिसे हम लोग कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। अब ये जो रॉलेट सत्याग्रह कैसे हुआ, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह की इम्पैक्ट होती है रॉलेट सत्याग्रह के ऊपर, उसको हम लोग आज के क्लास के अंदर नहीं करते हैं। आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, और जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा, व्हेन आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, तो मैं आपको गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई और फर्दर इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर सत्याग्रह कैसे होता है उसके पीछे लेके जाना चाहूंगा सर। तो आज हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आज का सेशन हमने काफ़ी एनालिटिकल डिस्कस किया है, मैंने आपको इंडियन नेशनलिज्म की ओरिजिन बताने की कोशिश की, मैंने आपको ये बताया कि इंडियन नेशनलिज्म कहाँ से उद्भव हुआ, मैंने आपको ये बताया कि इंडियन नेशनलिज्म में कैसे अलग अलग ग्रुप्स थे, कैसे अलग अलग क्लास हुआ करते थे, इन सब के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। यही नेशनलिज्म को बेसिकली गांधी जी ने आके एक यूनिटी देने की कोशिश की, और गांधी जी ने अपना आइडिया दिया जिसे न्यू स्ट्रगल के रूप में पहचानते हैं, स्ट्रगल करने के लिए अपना नया विचार, और इसी को ही हम लोग कहते हैं सत्याग्रह। ये सत्याग्रह क्या है मैंने आपको बताया, ये सत्याग्रह अफ्रीका के अंदर भी गांधी जी ने प्रैक्टिस किया था, और यही सत्याग्रह का विचार गांधी जी इंडिया के अंदर भी लेके आए। चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा तीन बहुत ही प्रोमिनेंट आपके पर्सपेक्टिव्स बनेंगे जहां पे ये सत्याग्रह को बहुत पॉपुलराइज किया जाएगा, और इसी के बाद गांधी जी धीरे 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 रॉलेट जो कानून है उसके सामने सत्याग्रह करके एक नेशनल लीडर के रूप में उभर के आएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं ये चैप्टर को कि इंडियन नेशनलिज्म को कैसे सत्याग्रह के फोर्स के द्वारा गाइड किया गया है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो यहाँ से रॉलेट और उसके बाद के टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे। हम लोग काफ़ी एनालिटिकली डिस्कस कर रहे हैं, और ये एनालिटिकल डिस्कशन बहुत ज़रूरी है व्हेन वी सी द होल मैक्रो पिक्चर। मैं आपको फिर से इंसिस्ट करूँगा कि आप हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्स के अंदर आइए अनअकैडमी प्लस के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री का करीबन 80 घंटे के आसपास का कोर्स मैं ले रहा हूँ, उसमें ये गांधी के विचार, सत्याग्रह, गांधी की मेथड क्यों अलग हुआ करती थी,
गांधी के मेथड की सिग्निफिकेंस क्या रहती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। नेशनल मूवमेंट अभी भी चल रहा है हमारा, पूरा का पूरा ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के साथ है। सातों साथ आर्ट एंड कल्चर का भी कोर्स मैं चला रहा हूँ। PN लाइव इज द डिस्काउंट कोड, आपको हमेशा ये यूज़ करना है। वाइल टेकिंग एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको 10% ऑफ मिलेगा। मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे, बहुत ही कंप्लीट वे के अंदर सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, और सातों साथ आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आई सजेस्ट कि यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड माई क्लासेज ऑन हिस्ट्री, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आपकी तैयारी कंक्लूड करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑलवेज यूज द डिस्काउंट कोड PN लाइव। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा, तो आपको फिर से इंडियन नेशनलिज्म का एक नया डायमेंशन है और नेशनल मूवमेंट में किस तरह से रॉलेट खिलाफत और साथों साथ हम लोग कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे कैसे चला, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।